चलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? ठीक है सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। आवाज तो आना चाहिए अंदर से कि हाँ ठीक है। कैसे हो आप लोग? सही हो? पढ़ाई हो रहा है? हाँ, हाँ सर। अच्छा ठीक है। सबका हो रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर। ठीक है, दो लोग बोलते हैं ना इसलिए गुस्सा आता है। सब लोग मिलकर बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा यस सर। है? ठीक है, चलो देखो, ऑलरेडी SN1 SN2 सब कुछ पढ़ चुके हैं, लुकास टेस्ट भी पढ़ चुके हैं। लुकास टेस्ट 1 डिग्री अगर अल्कोहल होगा तो लुकास टेस्ट का जो मतलब पीपीटी उसके अंदर बनेगा, वो इमीडिएट बनेगा या लॉन्ग टाइम में बनेगा? जल्दी बताओ, इमीडिएट या लॉन्ग लॉन्ग टाइम? टाइम लॉन्ग लॉन्ग। टाइम अगर लॉन्ग टाइम टू में डिग्री बनेगा। होगा, 2 डिग्री होगा तो क्या होगा? लॉन्ग टाइम या इमीडिएट? 2 डिग्री होगा तो 5 to 20 minutes। 5 to 20 मिनट। और अगर कभी बेंजाइली कार्बोकेटाइन बन जाए, ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन बन जाए, बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, तब कितना देर में होगा? 2 डिग्री या तब भी इमीडिएटली ओके। 3 डिग्री केस में क्या होगा? 3 डिग्री केस में क्या होगा? इमीडिएट इमीडिएट होगा। ओके अच्छा, जनरली 1 डिग्री 2 डिग्री में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा लुकास रिएजेंट के अंदर, लुकास टेस्ट के अंदर? SN2। SN2। ओके, लुकास रिएजेंट क्या है? लुकास रिएजेंट क्या है, जल्दी बताओ। लुकास रिएजेंट मतलब उसका क्या है, कंपोनेंट क्या होगा? एनहाइड्राइड एसीएल एंड कौन ZnCl2 प्लस एसीएल। एनहाइड्राइड SN2 प्लस HCl। ठीक है, क्लियर है, चलो कोई दिक्कत, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, SN1 SN2, SN2 को कौन सा सॉल्वेंट फेवर करेगा? SN2 को कौन सा सॉल्वेंट फेवर करेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा ठीक है, SN1 को कौन फेवर सर। करेगा? तो SN2 को पोलर एप्रोटिक होगा ना, पोलर पोलर प्रोटिक ही बोला ना। प्रोटिक बोला। कौन बोल रहा है ये पोलर प्रोटिक? गधा, कौन खच्चर है, बेवकूफ। चलो ठीक है, सर हाँ चलो, SN2 को कौन फेवर करेगा, जल्दी बोलो। SN2 को कौन फेवर करेगा, कौन सा सॉल्वेंट फेवर करेगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक। अच्छा, SN1 को कौन फेवर करेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? 2 डिग्री है अगर, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2। SN2। ओके, वीक न्यूक्लियोफाइल में कौन सा फॉलो होगा? SN1। SN1। ओके चलो ठीक है, तो यहां तक सब कुछ हमने कवर कर लिया है। 2 डिग्री में क्या चांस है? कुछ भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। ओके, तो यहां तक हमने SN1 SN2 का हर कुछ पढ़ लिया है। अब उसके कुछ अप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हम मैकेनिज्म वाइज पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी अल्काइलाइट के अंदर आप रिएक्शन ऑफ ईथर भी पढ़ोगे, तो आज मैं आपको पूरा ईथर पढ़ा रहा हूँ। आप इसी चीज को जाके आप NCERT में भी दोबारा आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप रीड कर सकते हो। कुछ मैं क्वेश्चन मार्क आपको टिक करवा दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है। हम लोग ने प्रिपरेशन पढ़ लिया था कि ईथर को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उस रिएक्शन का नाम क्या था, उस नेम रिएक्शन का नाम क्या था, मेरे को याद कराओ, जल्दी बोलो फटाफट। उस नेम रिएक्शन का नाम क्या था जिससे हम ईथर प्रिपेयर कर रहे थे? कम ऑन जल्दी। विलियमसन सिंथेसिस। बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या होता था, चलो विलियमसन के बारे में थोड़ा सा हम लोग ये रीड कर लेते हैं कि ये अल्कोहल था। आप पहले इसको किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे थे और ये बन रहा था अल्कोक्साइड आयन, और ये किसी भी जाके अल्काइल हेलाइट पे जाके ये क्या कर रहा था, अटैक कर दे रहा था इन टर्म्स ऑफ SN2, और ये तुम्हारा क्या बन जा रहा था, तुम्हारा ईथर बन जा रहा था। तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर जो है तुम्हारा हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है, ऑलरेडी जो है रीड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग जो है वो पढ़ा हुआ है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ ईथर। तो हम लोग को मतलब प्रिपरेशन पता चल गया है, अब हम इसके रिएक्शन पढ़ेंगे। चलो, अभी बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको पूरा ईथर पूरा आज क्लियर हो जाएगा। और अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, वक्त बहुत कम है। और केमिस्ट्री में कोशिश करें 170 लाने का, 160 लाने का, बहुत इजी क्वेश्चन आता है 45 मिनट के अंदर। और आप लोग को चैप्टर वाइज भी टेस्ट हम लेंगे। ठीक है, क्लियर है, हम लोग चैप्टर वाइज तो आपके आईडी में ऑलरेडी एक्टिव है ही, तो चिंता नहीं है। चलो तो लिखो रिएक्शंस ऑफ ईथर, लिखो रिएक्शंस ऑफ ईथर। ठीक, क्लियर है, हम लोग अभी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं ईथर का। ठीक है, सबको पता है ईथर दो टाइप का हो सकता है,
एक हो सकता है सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा हो सकता है अनसिमेट्रिकल ईथर, ओके क्लियर है। और क्या हो सकता है, साइक्लिक ईथर भी हो सकता है, ठीक है क्लियर है, जैसे ये ऑक्सीरेन है, ठीक है क्लियर है। उसके बाद साइक्लिक ईथर भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ईथर साइक्लिक ईथर हो सकता है, सबको पता है। चलो ये सब किसके अंदर है, साइक्लिक ईथर के अंदर आ रहा है, ठीक है क्लियर है। चलो अच्छा, अब सबसे पहले आते हैं कि ईथर के बारे में बात करते हैं, कैसा भी ईथर रहे अगर तुम इसको रिएक्शन करवाते हो बेसिक मीडियम में, अगर इसको रिएक्शन करवाते हो बेसिक मीडियम में तो क्या ये रिएक्शन करेगा? नहीं। ईथर आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। अब कोई मुझे रीजन बताओ क्यों स्टेबल है बेसिक मीडियम में? इसका रीजन है कि देखो ये OH- माइनस है, निगेटिव चार्ज है, लोन पेयर भी निगेटिव चार्ज है, तो कभी भी ये इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, एक दूसरे पे कभी भी ये अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो लिख लो ईथर आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, लिखो ईथर आर स्टेबल, ईथर्स कर देना प्लूरल फॉर्म, ईथर्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, मतलब ईथर जो है बेसिक मीडियम में अपने आप को प्रोटेक्ट फील करेगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये OH माइनस और लोन पेयर कभी रिएक्शन नहीं कर सकता, तो ईथर्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। लेकिन अगर कोई बोलता है कि सर मैं 3 मेंबर साइक्लिक ईथर लेता हूं, मैं 3 मेंबर साइक्लिक ईथर लेता हूं और मैं इसको रिएक्शन करवाता हूं OH माइनस के साथ, बेस के साथ मैं रिएक्शन करवाता हूं, तो क्या ये रिएक्ट करेगा? देखो 3 मेंबर रिंग और साइक्लिक, 3 मेंबर साइक्लिक की बात करें और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर की बात करें तो इसके अंदर साइक्लिक स्ट्रेन होता है, ये अपने आप को तोड़ने की कोशिश करता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ जो डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव है, दोनों आइडेंटिकल है, तो ये क्या करेगा, ये एक जगह जाके अटैक कर जाएगा और जैसे ही अटैक करेगा क्या होगा, ये ओ माइनस खुल जाएगा और ये तुम्हारा यहाँ OH लग जाएगा, ठीक है। और फर्दर अगर तुम किसी तरह पानी वानी डालो तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक अल्कोहल बन जाएगा, ये बेसिकली डायोल है और इसको बोलते हैं विसिनल डायोल। आपको पता है कि एडजेसेंट पे अगर OH रहेगा तो उसको बोलेंगे विसिनल डायोल। तो 3 मेंबर और 4 मेंबर जो साइक्लिक ईथर है वो तुम्हारा रिएक्शन कर सकता है बेसिक मीडियम में, क्योंकि उसके अंदर क्या है, साइक्लिक स्ट्रेन है, क्या है तुम्हारा, साइक्लिक स्ट्रेन है। अभी देखो कहां रिएक्शन करेगा, जिस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां अटैक करेगा। उसी तरह अगर मैं 4 मेंबर की बात करूं, 4 मेंबर में भी क्या है, साइक्लिक स्ट्रेन है, 4 मेंबर में भी क्या है तुम्हारा, साइक्लिक स्ट्रेन है। अब यहाँ OH माइनस इसको दिखा, अभी क्या हुआ, कहीं भी डेल्टा पॉजिटिव, देखो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ अटैक मत करवा देना, जो ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन है वही अटैक करेगा और जहां कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां अटैक करेगा। यहाँ तो दोनों जगह स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बराबर है कि नहीं, जल्दी बोलो, यहाँ दोनों बगल में स्टेरिक हिंड्रेंस बराबर है कि नहीं, जल्दी बोलो यार फटाफट। स्टेरिक हिंड्रेंस बराबर है तो ये क्या करेगा, यहाँ जाके अटैक कर जाएगा और जैसे ही अटैक करेगा तो ये O- हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, ठीक है क्लियर है। और फर्दर अगर तुम किसी तरह पानी वानी डाले तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्कोहल जो है तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि ऑल ईथर्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम एक्सेप्ट 3 मेंबर साइक्लिक ईथर एंड 4 मेंबर साइक्लिक ईथर। 5 मेंबर स्टेबल होता है, 6 मेंबर स्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बात करें कि ऑल ईथर्स आर जो है स्टेबल होगा बेसिक मीडियम, यस ऑल ईथर स्टेबल इन बेसिक मीडियम एक्सेप्ट 3 मेंबर साइक्लिक ईथर एंड 4 मेंबर साइक्लिक ईथर। लिखो स्टेटमेंट, लिख लो ऑल ईथर्स आर स्टेबल इन, देखो आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम एक्सेप्ट 3 एंड 4 मेंबर साइक्लिक ईथर। कोई मुझे रीजन बताएगा फिर से, 3 मेंबर और 4 मेंबर क्यों रिएक्शन कर रहा है, कोई मुझे रीजन बताएगा जल्दी बताओ, कोई मुझे रीजन बताएगा जल्दी बताओ, कोई मुझे रीजन बताएगा जल्दी बोलो फटाफट, क्या रीजन है, क्या रीजन, साइक्लिक स्ट्रेन, साइक्लिक स्ट्रेन, ठीक है। देखो जो लोग लेट घुसे मैं बता दूं कि हम लोग ईथर का रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये है तुम्हारा सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है क्लियर है, ये है तुम्हारा अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है क्लियर है, ये है साइक्लिक ईथर, दीज आर साइक्लिक ईथर, ठीक है। ये 5 मेंबर का भी मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, 5 मेंबर। तो ईथर जो है बेसिक मीडियम में रिएक्शन जनरली नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, बिकॉज लोन पे रिपल्सन करेगा, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन करेगा, बट लेकिन अगर 3 मेंबर रहा 4 मेंबर रहा तो रिएक्शन क्या होगा, हो जाएगा, रिएक्शन क्या होगा, हो जाएगा। अच्छा कोई मेरे पास एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं 3 मेंबर ले रहा हूँ
लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ मिथाइल लगा दे रहा हूँ और अब मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ OH माइनस के साथ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि लेफ्ट वाले कार्बन पे रिएक्शन करेगा या राइट वाले, मतलब लेफ्ट वाले पे रिएक्ट करेगा राइट वाले पे रिएक्ट करेगा, किस कार्बन पे रिएक्ट करेगा और क्यों? लेफ्ट वाले पे रिएक्ट करेगा। जितने लोगों को लगता है लेफ्ट, वो चैट में लिख दे एल जल्दी फटाफट। जिन लोगों को लगता है कि वो लेफ्ट बोल रहे हैं वो कर दे एल फटाफट। जिन लोगों को लग रहा है कि लेफ्ट पे रिएक्ट करेगा वो एल लिख दे। थोड़ा जल्दी लिखना, टाइम की कमी है। जिन लोगों को लग रहा है लेफ्ट पे रिएक्ट करेगा लेफ्ट लिख दे, जिन लोगों को लग रहा है राइट पे रिएक्ट राइट कर दे। रीजन क्या है, रीजन क्या है लेफ्ट पे रिएक्ट करने का? हाँ सर, दिस इज मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, जल्दी करो फटाफट बोलो। हाँ, लेफ्ट पे अटैक करेगा। क्यों लेफ्ट पे अटैक करेगा? ये देखो, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव, बट यहाँ जो है मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है और साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए क्या होगा तुम्हारा कि ये राइट पे अटैक नहीं करेगा, ये लेफ्ट पे जाके अटैक करेगा। इसी तरह गिगनार्ड भी अटैक करेगा, इसी तरह भी क्या होगा लेटर ऑन पढ़ेंगे कि तो गिगनार्ड भी अटैक करेगा। उसी तरह क्या होगा, गिगनार्ड भी उसी तरह तुम्हारा क्या होगा अटैक करेगा। जहां कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां जाके क्या होगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ थिंग ही हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब सिंपल सा कोई H प्लस दे देगा फर्दर, मतलब पानी से H प्लस दे दो और ये क्या बन जाएगा, ये मेरा अल्कोहल बन जाएगा, मतलब डायोल वाला थिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डायोल वाला। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ अटैक करेगा। ऐसा क्वेश्चन नीट के लिए बहुत ही कॉमन है, आप ऐसा क्वेश्चन जो है नीट के लिए हमेशा कॉमन है, तो इसको ध्यान रखना कि जहां कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां तुम्हारा अटैक करेगा, जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां तुम्हारा क्या होगा, अटैक तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर है पक्का? डाउट क्लियर है सबको? जल्दी बोलो क्लियर है, यस नो? क्लियर है सबको? यस सर। चलो ठीक है, तो ईथर रिएक्शन समझ में आ गया। चलो अब आते हैं, पहला जो है एसिडिक मीडियम में, सेकेंड है कि ईथर एसिडिक मीडियम में क्या होगा। तो लिखो ईथर्स इन एसिडिक मीडियम। चलो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, देखो साफ दिख रहा है एसिडिक मीडियम में क्या होगा। ये हम लोग का ईथर है मान लो R और R डैश, ऐसे अनसिमेट्रिकल लेके चल रहे हैं और H प्लस है। अभी देखो ये लोन पेयर है, मतलब ये बेस है और ये एसिड है, झट से रिएक्शन कर जाएगा। मतलब ईथर क्या स्टेबल है एसिडिक मीडियम में, ऐसा नो? क्या ईथर एसिडिक मीडियम में स्टेबल है? जल्दी बताओ ईथर क्या एसिडिक मीडियम में स्टेबल है? No, देखो स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब क्या, अगर रिएक्शन कर जाएगा मतलब अनस्टेबल है और रिएक्शन नहीं करेगा इसका मतलब स्टेबल है। तो इसका मतलब देखो प्रोटो, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है। क्या आ रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है, मतलब H प्लस का जो एडिशन है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन, बोलते हैं कि जाके ये लोन पेयर अटैक कर दिया। अभी देखो जैसे ही यहां तक अटैक कर दे, मतलब इतना तो समझ में आ गया कि ईथर आर, ईथर्स आर, ठीक है, अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। कैसा भी रहे ईथर जो है तुम्हारा एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल है, बिकॉज उसके पास लोन पेयर है और बगल में H प्लस है। अच्छा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है। चलो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का टारगेट है, हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोलाइसिस। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर की बात करेंगे। भाई ईथर को पानी में अगर हम लोग डाल दें तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर की हम लोग बात करते हैं। तो कैसे होगा इसको समझते हैं। तो सपोज करो कि मान लो ये अपने पास ईथर है, ठीक है, क्लियर है, ये आर आर डैश रख देते हैं और इसको एच प्लस और पानी रख देते हैं, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम की हम बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेप तो क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोटोनेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक किसी को दिक्कत है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बिकॉज लोन पेयर दिया है। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को डाउट है माय डियर्स? किसी को दिक्कत, कोई डाउट? चलो अच्छा सर, सर बेसिक मीडियम, सर बेसिक मीडियम पे पानी डालने का बाद क्या हुआ वो थोड़ा नहीं होगा ना, कोई फायदा नहीं ना। पहली बात तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा ही नहीं ना भाई, बेसिक मीडियम से तो रिपल्सन हो जाएगा, वो बेसिक मीडियम में बहुत ही अनस्टेबल रहेगा। बेसिक मीडियम में क्या होगा वो थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं वही तो बता रहे। अच्छा यहाँ बोल रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ तो नॉर्मल पानी हम लोग डाल रहे हैं एच प्लस के लिए, बिकॉज ये ओ माइनस है, पानी का जो H प्लस है वो क्या करेगा, ले लेगा, इसलिए बोल रहे बाबू और कुछ नहीं है। ये जो H प्लस जाके ले लेगा, ये OH बन जाएगा, O निगेटिव है ना, तो H प्लस ले लिया, OH माइनस निकल गया, कैटलिस्ट है OH माइनस, ऐसा सोचो ना, OH माइनस कैटलिस्ट है तो लास्ट में तो निकलना तय है ना, क्या दिक्कत है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी जनरली ईथर जो है वो बेसिक मीडियम में स्टेबल होता है। बेसिक मीडियम में क्या होता है, स्टेबल होता है, एक्सेप्ट थ्री मेंबर ऑफ फोर मेंबर,
तो थ्री मेंबर फोर मेंबर में कैसे रिएक्शन हो रहा है ये मैंने आपको दिखाया, जहां कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां अटैक कर जाएगा, और पानी अगर डालोगे तो ओ माइनस जो है एच प्लस लेके न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है आरका प्रतिम? क्लियर हुआ? चलो कोई दिक्कत यहाँ तक डाउट किसी को? चलो अच्छा, यहाँ अब ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव आया क्या होगा जल्दी बताओ, ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव आ गया क्या होगा जल्दी बताओ, ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव आ गया इन दोनों पे क्या हो जाएगा, एक डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बगल में तुम्हारा क्या है, वाटर है, बगल में तुम्हारा जो पानी है वो क्या करेगा, वो किसी भी एक कार्बन पे अटैक कर जाएगा, किसी भी एक कार्बन पे बैक साइड से अटैक कर जाएगा और ये बॉन्ड को टूट जाएगा ताकि ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाए। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आर ओ एच और दूसरा बन जाएगा आर डैश ओ एच, मतलब अगर तुम ईथर का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो दोनों बनेगा अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास है मिथॉक्सी मीथेन, लेट से मेरे पास है मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन का स्ट्रक्चर ये है, दोनों तरफ मिथाइल होगा और हम इसको हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करना बहुत ही टफ है, नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले प्रोटोनेशन करवा दो, मैं प्रोटोनेशन करवा दिया, चलो ठीक है। अब बताओ दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव क्यों आ जाएगा, बिकॉज ये जो बॉन्ड है अब इसके अंदर काफी ज्यादा हाई पोलैरिटी आ चुका है, बिकॉज ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है, और बगल में पानी न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है, बोला भाई ठीक है हम पीछे से तुमको अटैक कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड खुल जाएगा, तो ये क्या हो गया, इधर बन गया COH और इधर बन गया तुम्हारा क्या CH3, और ये वाटर पे OH2+ आ जाएगा और लेटर ऑन H+ हट के ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो ये जो मैकेनिज्म होगा बैक साइड अटैक का ये होगा SN2, ये जो मैकेनिज्म होगा बैक साइड अटैक का ये क्या होगा SN2, मतलब आप जब ईथर को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्कोहल। अब कोई पूछेगा सर वाटर कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा या इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, माय डियर दोनों साइड क्या है स्टेरिक हिंडेंस सेम है, तो जहां लेस स्टेरिक हिंडेंस होगा वहां अटैक करेगा, जहां लेस स्टेरिक हिंडेंस होगा वो वहां अटैक करेगा, और जहां कम स्टेरिक मतलब जहां लेस स्टेरिक हिंडेंस है वहां अटैक कर जाएगा, जहां ज्यादा स्टेरिक हिंडेंस है वहां अटैक वाटर नहीं करेगा, बट इन ऑफ द डे प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम मिलेगा, ये आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझो कि मान लो मेरे पास तुम्हारा मिथॉक्सी इथेन, हाँ बोलो, मिथाइल पे तो दोनों तरह की सेम ही चीज है ना, मतलब वहां पर हम कैसे, कहीं भी अटैक करे, कहीं भी अटैक कर जाएगा, देखो कहीं भी अटैक कर जाएगा, क्या दिक्कत है, कहीं भी अटैक कर, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, देखो अटैक क्यों कर रहा है, बिकॉज ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर दे रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहा है, जैसे ही अटैक किया ये वाला बॉन्ड टूट गया, क्या दिक्कत है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पानी किधर से भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है, इधर अटैक करता तो ये वाला बॉन्ड खुलता, इधर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो मैं इसकी बात करता हूँ, ये प्रोटोनेशन, पहले पहला स्टेप क्या हो, सब लोग प्रोटोनेशन करवाओ, पहले ये प्रोटोनेशन होगा, ओके प्रोटोनेशन करवा दो, प्रोटोनेशन करवा दो, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटोनेशन करवाने के बाद अब पानी किधर अटैक करेगा, लेफ्ट या राइट जल्दी बताओ, अब पानी किधर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा या इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, जल्दी बताओ कहाँ अटैक करेगा, फटाफट बोलो, लेफ्ट या राइट, जल्दी सोचो, लेफ्ट या राइट, ऑक्सीजन के लेफ्ट वाले कार्बन पे अटैक करेगा या राइट वाले पे, जल्दी से सोच के बताओ किस पे अटैक करेगा, राइट राइट पे, क्यों राइट पे अटैक करेगा, जल्दी बताओ क्यों राइट पे अटैक करेगा, लेस स्टेरिक हिंडेंस, बिल्कुल लेस स्टेरिक हिंडेंस, तो इस पे अटैक किया, जैसे अटैक किया ये वाला बॉन्ड खुल गया, तो ये क्या हो गया, ये मेरा बन गया इधर एक अल्कोहल बन गया और दूसरा एक अल्कोहल बन गया। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि इसको मैं 18 कर देता, ऑक्सीजन 18 कर देता, तो ऑक्सीजन 18 कहाँ आता है, यहाँ आता। तो मैं सिंपल से ये बता रहा हूँ कि पहले प्रोटोनेशन होने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल है वो किधर अटैक करेगा, उधर अटैक करेगा जिधर स्टेरिक हिंडेंस तुम्हारा कम है, मतलब ये जो मैकेनिज्म होगा वो एक्चुअली SN2 होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे ईथर का तो आपको एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, दोनों अल्कोहल मिलेगा, दोनों क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, मतलब आप अल्कोहल भी प्रिपेयर यहाँ से कर सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है सर, चलो हाँ बोलो सर। सर वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, हाँ वीक न्यूक्लियोफाइल, क्या दिक्कत है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल है तो
निक्लोफाइल है तो सर, भाई क्या दिक्कत सर वो एसएन टू इधर कैसे हो रहा है थोड़ा सा बता देंगे? क्योंकि 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 इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि ये 1 डिग्री है, मिथाइल है, अगर 2 डिग्री होता तब एसएन 1 होता। आएंगे आएंगे, चिंता मत करो, धीरे धीरे चलो धीरे धीरे। होगा समझाते हैं, एसन वन जहाँ होगा वहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, तो यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन पाएगा, इसलिए एसन टू ही लेके चलेगा। समझाते हैं, बताते हैं, रुक जाओ, यहाँ तक डाउट किसी को जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट जल्दी बोलो, जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, नो सर। चलो चलो अब मैं आपको समझाता हूँ, एक एक तीनों एग्जाम्पल करके समझाता हूँ। चलो पहला एग्जाम्पल है मेरे पास जिसके अंदर मैंने लिया मिथॉक्सी मीथेन, इसको प्रोटोनेशन करवाया, पानी से अटैक करवाया। यहां जो मैकेनिज्म हो रहा है, पहले प्रोटोनेशन, सब लोग खुद से करो, पहले प्रोटोनेशन हो गया और प्रोटोनेशन होने के बाद पानी बैक साइड से अटैक कर दिया। ओके क्लियर है? चलो अटैक कर दिया बैक साइड से, ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, दूसरा भी क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। लेकिन अगर मैं एक साइड 3 डिग्री ले लेता, अगर मैं एक साइड 3 डिग्री ले लेता, चलो, और यहां मैं एच प्लस लेता और पानी पानी लेता, पहला स्टेप क्या होता, पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन, प्रोटोनेशन, कोई दिक्कत नहीं है, पहले प्रोटोनेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटोनेशन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो यहाँ पानी को अटैक करने से पहले इंटरनल क्लीवेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरनल क्लीवेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री है, ये इसको बोलते हैं इंटरनल क्लीवेज, क्या बोलते हैं, इंटरनल क्लीवेज, क्या हो जाएगा, इंटरनल क्लीवेज हो जाएगा, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स ये टूट जाएगा और ये बन जाएगा स्टेबल कार्बोकेटाइन, बिकॉज ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है। अब तुम्हारा क्या होगा, अब पानी अटैक करेगा, पीछे वाले केस में क्या हो रहा था, पानी जब तक अटैक नहीं किया था तब तक बॉन्ड नहीं टूटा था, ठीक है, क्लियर है। यहां क्या हुआ कि जैसे पानी अटैक करने से पहले एक तरफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो बहुत स्टेबल हो रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, तुम्हारा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, तो इसलिए इंटरनल क्लीवेज होगा। तो यहाँ जो मैकेनिज्म होगा वो एसन वन होगा, यहाँ जो मैकेनिज्म होगा आर का प्रतिम वो एसन वन होगा, बिकॉज एक तरफ क्या है 3 डिग्री है। उसी तरह अगर मैं एक तरफ 2 डिग्री भी लेके चलता, अगर मैं एक तरफ सोचो 2 डिग्री लेके चलता और मैं पानी लेके चलता H प्लस, अब पानी हाइड्रोलाइसिस करवा रहे, यहां भी क्या होता, यहां भी एक्चुअली क्या है, यहां भी पहले प्रोटोनेशन होता और प्रोटोनेशन होने के बाद मोर और लेस यहां भी इंटरनल क्लीवेज हो जाता, क्योंकि पानी जब ले रहे तो ये एसएन वन को ज्यादा फेवर करेगा, लेकिन यहां दोनों क्या था 1 डिग्री था। इस केस में हम मजबूर हैं, कार्बोकेटाइन कभी भी बनना पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ जो मैकेनिज्म है वो एसएन टू लेके चल रहे हैं, और अगर एक तरफ 2 डिग्री रहा या 3 डिग्री रहा उस केस में क्या होगा, एसएन वन का मैकेनिज्म जो है तुम्हारा फॉलो होगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि अगर एक तरफ भी 2 डिग्री या 3 डिग्री रहा उस केस में जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, एसएन वन होगा। मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूं, अगर आर वन और आर डैश 1 डिग्री रहा तो एसएन टू होगा, और अगर आर वन या आर डैश कोई भी 2 डिग्री रहा या 3 डिग्री रहा उस केस में एसएन वन होगा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन अगर पानी की जगह हम लोग थोड़ा देर बाद और पढ़ेंगे एचआई लेते, अगर हम पानी की जगह एचआई लेते उस केस में ओनली 3 डिग्री में एसएन वन होगा। मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा देर बाद। अभी बस ये समझो कि 2 डिग्री में भी तुम्हारा एसएन वन इसलिए हो रहा है बिकॉज आप पानी ले रहे हो, लेकिन आप 1 डिग्री लेते हो ना तो उस केस में क्या है कि कार्बोकेटाइन किसी भी हाल में स्टेबिलिटी गेन नहीं कर रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा एसएन टू ही रेट फेवर करना पड़ेगा, एसएन वन रेट फेवर ज्यादा नहीं हो पाएगा। और भी तो क्राइटेरियाज है ना माई डियर्स। ओके क्लियर है यहाँ तक डाउट? जल्दी बोलो, यहाँ तक डाउट है सबको, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, बोलो जल्दी फटाफट। यस सर। कोई डाउट? जल्दी बोलो, कोई डाउट जल्दी बोलो फटाफट, कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, कोई डाउट है? लिखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, लिखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर इन एसिडिक मीडियम
विल बी SN2 और SN1 डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप, डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप, डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप, डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ अल्काइल ग्रुप. इफ बोथ साइड अल्काइल ग्रुप इज वन डिग्री, इफ बोथ साइड अल्काइल ग्रुप इज वन डिग्री, इन दैट केस mechanism will be SN2. Mechanism will be SN2. Mechanism will be SN2. And if any one alkyl group, either side of alkyl group is 2 degree or 3 degree, मतलब oxygen के right या left कहीं भी 2 degree या 3 degree हो, वो कौन सा mechanism होगा? कौन सा mechanism होगा? जल्दी बताओ, कौन सा mechanism होगा? SN1 होगा. क्या होगा SN1? Okay, SN1 होगा. जल्दी करो फटाफट. वो क्या होगा? SN1 होगा. जल्दी करो. जल्दी करो फटाफट. कोई दिक्कत? जल्दी बोलो. कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? चलो. प्रीति इतना लेट क्यों इंटर कर रही हो? प्रीति इतना लेट इंटर करोगे कैसे समझ में आएगा? चलो देखो फाइन प्रोडक्ट फटाफट. देखो फाइन प्रोडक्ट. इतना लेट मत करो प्रीति. देखो कितना कुछ हो गया. लेट करोगे दिक्कत हो जाएगा. सॉरी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था. चलो कोई नहीं. सब लोग प्रोडक्ट बनाएंगे फटाफट. जल्दी जल्दी. सब लोग प्रोडक्ट बनाओ फटाफट. जल्दी जल्दी फटाफट. सब लोग प्रोडक्ट बनाओ. जल्दी जल्दी. फटाफट जल्दी जल्दी फटाफट. प्रीति हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर पढ़ रहे हैं. उसमें ये पढ़ रहे हैं कि अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे ईथर का तो अल्कोहल बनेगा. उसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म होगा ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ओके फटाफट जल्दी जल्दी. 5 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. चलो जल्दी जल्दी आप लोग बनाओ. आज याद दिलाना आप लोग को बहुत सारा डीपीपी ऑर्गेनिक का मैं दे दूंगा और रिवीजन डीपीपी पीछे टॉपिक का दे दूंगा. आप लोग पढ़ाई नहीं करो ठीक से. 530 कोई मार्क्स आता है इसे? 540 560. अली है लाइन पे? नहीं है ना आज? जो आज क्लास में नहीं है गया मेरे यहां तो दम छोड़ूंगा नहीं मैं उसको. चलो 1 से लेकर 5 तक फटाफट सब सॉल्व करते जाओ. ग्रुप में आंसर भेजते जाओ. सब सॉल्व करते जाओ. ग्रुप में पिक्चर भेजते जाओ फटाफट. प्लीज देखो ज्यादा पढ़ाना है आज. मुझे आपका कोऑपरेशन फुल चाहिए. अभी मुझे इस वीक में आपका कोऑपरेशन काफी चाहिए. चारों का चारों क्लास में मुझे बहुत कुछ खत्म करना है. तो आप लोग बचकानी हरकत नहीं करो. लास्ट वाला दिखाइए. व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है? हाँ हाँ सब लोग भेजते जाओ. बनाते जाओ भेजते जाओ. बनाते जाओ भेजते जाओ. बनाते जाओ मतलब 1 साल बना के भेजो.
बगल में मैकेनिज्म भी लिखना है, प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, मैकेनिज्म भी बनाए, मैकेनिज्म के साथ बनाओ, थोड़ा स्ट्रांग होगा दिमाग, मैकेनिज्म के साथ बनाओ स्ट्रांग होगा। ठीक है सर। अच्छा कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो कौन सा स्टेप होगा, आरडीएस स्टेप होगा ना, तो जहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा होगा वो कैसा स्टेप होगा, मतलब ये आरडीएस स्टेप होगा, ठीक है, जिसमें कार्बोकेटाइन बन गया वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन विल बी द आरडीएस स्टेप, पता है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन विल बी क्या आरडीएस स्टेप, पता है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन विल बी द आरडीएस स्टेप, हमेशा याद रखना, जो फॉर्मेशन होता है वही आरडीएस स्टेप होता है, याद है ना सबको, एरेशन वन का तरीका याद है ना, और एशन टू में तो जो अटैक करा वही आरडीएस स्टेप है, अरे हाँ ना, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो ना, yes, sir. कान और पेन दोनों चलते रहना चाहिए, आंख चले या ना चले, कान और पेन दोनों चलते रहना चाहिए, दो मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं मैं, सर लास्ट वाले पेज में एक बार खुले, हो गया सबका, आ गया ग्रुप में भेजे तो कोई नहीं, जल्दी भेजो, चलो मैच करते जाना, आप लोग मिलाते जाना, चलो पहला पहला क्या होगा, पहला स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, चलो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, प्रोटोनेशन हो गया, ओके प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, फिर पानी अटैक करने से पहले ही टूट जाएगा, बिकॉज आपको पता है एक तरफ 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री में पानी अटैक करने से पहले ही टूट जाता है, बिकॉज ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इंटरनल क्लीवेज, इसको बोलते हैं इंटरनल क्लीवेज, अब तुम्हारा क्या होगा, पानी अटैक करेगा जो भी, तो ये क्या अल्टीमेटली प्रोडक्ट ऑक्सीजन 18 किसके साथ रहेगा, 3 डिग्री के साथ रहेगा, ओके पहला जितने लोगों का सही है कमेंट यस कर दो, पहला जितने लोगों का सही है कमेंट यस कर दो, पहला जितने लोगों का सही है कमेंट यस कर दो, पहला जितने लोगों का सही है कमेंट यस, फटाफट जल्दी से थोड़ा जल्दी करना, आप लोग के चक्कर में हिटलर बन जाऊंगा मैं एक दिन, इतना गुस्सा करना पड़ता है, चलो ठीक है, ओके ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, ठीक है क्लियर है, OH प्लस आ गया, ठीक है क्लियर है, ये CC, अब पानी अटैक करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, दोनों साइड 1 डिग्री है, किधर अटैक करवाएं, 18 इधर, 18 तो है इधर, हमें बैक साइड से अटैक करवाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 18 रहेगा दो कार्बन वाले के साथ, और ये रहेगा CH3OH, ठीक है क्लियर, OH प्लस निकल जाएगा, सेकंड कितने लोगों का सही है, कितना लोगों का सेकंड सही है, कितने लोगों का सही है सेकंड, कितने लोगों का सही है सेकंड, कमेंट यस, जितने लोगों का सेकंड सही है बनाते जाओ, कमेंट यस करते जाओ फटाफट, थोड़ा जल्दी चलना चाहिए, थोड़ा जल्दी, अच्छा ठीक है, चलो इधर इधर पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन, लोन पेयर पहले प्रोटोनेशन करवा दिए,
चलो प्रोटोनेशन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटोनेशन हो गया। अच्छा अरे भाई, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ऐसे इंटरनल क्लीवेज नहीं, मतलब जैसे ही अटैक करेगा ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। यहाँ भी लिटिल बिट इंटरनल क्लीवेज बोल सकते हैं, बट ठीक है 1 डिग्री होगा, बिकॉज एक भी 2 डिग्री मिल जाएगा तो 1 डिग्री, बिकॉज पानी इसको क्या करेगा, पानी इसको 1 डिग्री में फेवर कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो तुम्हारा क्या होगा, ये सिंपल सा ये कार्बोकैटायन, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। थर्ड कितने लोगों का सही है, कमेंट यस कर दो। थर्ड कितने लोगों का सही है, कमेंट यस कर दो। नंबर में SN2 कैसे हो रहा है, कौन सा टू नंबर में बिकॉज दोनों साइड 1 डिग्री है ना बाबू, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, दोनों साइड 1, एक तरफ मिथाइल एक तरफ, इसलिए मजबूरी है ना। अगर एक भी 2 डिग्री 3 डिग्री रहता तब हम बोलते हैं। ओके चलो नेक्स्ट हम लोग के पास ये क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन मजेदार है, फिनॉल वाले में 18 रहेगा या मिथेनॉल वाले में 18 रहेगा, रिप्लाई सब लोग बोलो, फिनॉल वाले में 18 रहेगा या मिथेनॉल वाले में। देखो चलो करते हैं, पहले प्रोटोनेशन होगा, पहले प्रोटोनेशन हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक प्रोटोनेशन होने तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा होपफुली। ठीक है क्लियर है, ये OH हो गया, ठीक है क्लियर है, और ये 18 है। देखो एक बात देखो, इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये जो ऑक्सीजन का जो 2 लोन पेयर है इसकी वजह से अभी भी इसके पास रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये वाला बॉन्ड कभी भी नहीं टूटेगा, नॉट क्लीवेज, ये कभी भी नहीं टूटेगा, नॉट ब्रेक, ये कभी भी तुम्हारा ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से कभी ब्रेक नहीं होगा, मतलब पानी को एक ही साइड अटैक करने का ऑप्शन है, वो इधर से अटैक करने का ऑप्शन है, मतलब फिनॉल वाले में 18 ही रहेगा, बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये वाला बॉन्ड कभी भी क्लीवेज नहीं हो सकता, और दूसरा तुम्हारा मिथेनॉल रहेगा। ये बात अच्छे तरीके से समझ लो, ऑप्शन में रहेगा, ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत कॉमन है, मैं फिर से बताता हूँ। देखो पहले पीछे ऑप्शन क्या था, कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता था कंडीशन के अकॉर्डिंगली, बट यहाँ कुछ भी हो जाए ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए ये वाला बॉन्ड तोड़ने में बहुत हाई एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छे से जिसका सही है कमेंट यस कर दो, जिसका सही है कमेंट यस कर दो, धड़ाधड़ जिसका सही है कमेंट यस कर दो जल्दी से, ये रीजन किसी ने सोचा हो कमेंट यस कर दो। चलिए ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं सर, आगे हाँ बोलो सर, वो मैकेनिज्म आपका SP2 ही होगा ना, SN2, हाँ SP2 क्या बोल रहा है, सॉरी SN2 सोया है तुम ठीक से, हाँ सर कितना घंटा सोया, 10 घंटा 12 घंटा कितना घंटा तुम सोए हो, 8 घंटे करीब, 8 घंटा तुम सो के डॉक्टर बनेगा, चलो कोई नहीं ठीक है, भगवान तुम्हारे साथ है, चलो कोई नहीं। पहले प्रोटोनेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटोनेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को बताओ कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल किधर बनेगा, इधर बनेगा या इधर बनेगा, जल्दी बोलो लेफ्ट या राइट, जल्दी बोलो लेफ्ट या राइट, कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल किधर बनेगा, लेफ्ट या राइट, राइट में, तो अपने आप ब्रेक हो जाएगा, अपने आप ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये OAT इधर रहेगा, क्लियर है, OH, और ये CH3, ठीक है क्लियर है, ये T रहेगा, H रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा C2H5, ठीक है क्लियर है, इधर आ जाएगा OH, इधर हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा C3H7, ठीक है क्लियर है। तो जिधर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैसे होगा, सिंपल सा देखो, पहले प्रोटोनेशन हो गया, अब प्रोटोनेशन होने के बाद ये वाला बॉन्ड अपने आप ब्रेक कर गया, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो क्या होगा, अपने आप टूटना पसंद करेगा, इंटरनल क्लीवेज हो जाएगा। कितने लोगों का सही है क्वेश्चन नंबर 5, कितने लोगों का सही है कमेंट यस, 5 कितने लोगों का सही है कमेंट यस, दादर 5 कितने लोगों का सही है कमेंट यस, जल्दी जल्दी चलो, फुल कोऑपरेशन चाहिए, फुल कोऑपरेशन चाहिए अपने को, चलो ठीक है ओके। देखो फाइन प्रोडक्ट, हाँ बोलो सर, एक क्वेश्चन है सर, सर बोल रहे हैं जो आप जिधर स्ट्रेन डिटेक्ट कर रहे हैं ना, आप जिधर स्ट्रेन डिटेक्ट कर रहे हैं ना सी का, मतलब कार्बन का चेन पे, उधर तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, उसका उसके लिए क्या प्रोडक्ट पे कुछ प्रोडक्ट जो अलग होगा क्या, और कुछ ओके हम प्रोडक्ट देख के डिटेक्ट कर सकते हैं,
हाँ देख के कर सकते हैं, देखो सिंपल सा, जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पानी का ऑक्सीजन अटैक करेगा, तो मैं सब बोल सकते हो, मतलब जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है, देखो यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, मतलब पानी का ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा, ऐसा आप सोच सकते हो, मतलब डिटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले प्रोटोनेशन करवाओ, और जहां कम स्टेडिक हिंडेंस है वहां अटैक करवाओ पहली बात, और अगर एशियन वन है 3 डिग्री है तो बल्ले बल्ले है, दोनों साइड ही ओएच है। किधर 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 दोनों साइड ओएच है बाबू, किधर, यहाँ ये बोल रहे हो, ये वाला बोल रहे हो, ये कौन सा कौन सा? सर हम बोल रहे हैं, सर हम बोले तो आपका मतलब बात अनुसार इधर तो दोनों साइड ही OH है, तो हम कैसे समझेंगे? नहीं नहीं मतलब ये तो पहले प्रोटोनेशन करेगा ना, इथर की बात करो ना, इथर की बात करो या जो प्रोडक्ट की बात करो उसकी बात कर रहे हो? ओ अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि प्रोडक्ट है तो कैसे हम रिएक्टेंट में पता करेंगे, मतलब पीछे कैसे सोच सकते हैं, राइट, यही बोलना चाह रहे हो ना? यस सर। देखो पहली बात तो अगर दोनों ऑक्सीजन होता, दोनों ओए रहता तो क्या फर्क पड़ता, ऑक्सीजन तो किसी का भी ओए ही रहेगा ना, क्या फर्क पड़ेगा, है ना, क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? अगर दोनों ओए है, ओए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18 की जहां तक बात है तो तुम सिंपल समझो, जो पानी का ऑक्सीजन है वो कहां जाएगा, जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, बात खत्म है। अगर मैं इसको 18 लेता तो 18 यहां आता, यहां नहीं आता, समझ रहे भाई? अगर दोनों ऑक्सीजन लेवलिंग नहीं रहता तो लेवलिंग किया हुआ ना भाई, कि कौन सा ऑक्सीजन जा रहा है और क्या लेवलिंग किया हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ता है? चलो यहाँ तक डाउट किसी को जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट? नो सर। नो सर। बोलो सर। सर हम 18 क्यों ले रहे हैं? आइसोटोप दिखाने के लिए, मतलब दोनों ऑक्सीजन है ना ओ है तो पता कैसे चलेगा, मान लो कौन मौसमी बोल रही है तो दो मौसमी है, कौन सा मौसमी, इसकी बात मौमिता, अरे मौमिता सॉरी, ठीक है ठीक है, तो मतलब वो आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कि मतलब कौन सा ऑक्सीजन, मतलब दिखाने के लिए, स्टार भी कर सकते थे हम, स्टार भी कर सकते थे, मतलब दिखाने के लिए, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ दोनों ऑक्सीजन देता तो बच्चा क्या सोच के बना रहा है पता नहीं चलता ना एग्जामिनर को, तो इसलिए इसको लेवलिंग कर दिया कि भाई ठीक है 18 है ये, और इसको मतलब नाम दे दिया 1 2, ऐसा सो तुम स्टार भी कर सकती थी, क्या दिक्कत है, क्लियर है, समझ रहे? यस सर। यस सर। चलो लिखो फाइन प्रोडक्ट, लिखो फाइन प्रोडक्ट जल्दी जल्दी फटाफट, फाइन प्रोडक्ट, फाइन प्रोडक्ट जल्दी जल्दी, चलो इसको करना है, इसको मैं बताऊंगा आपको, चलो इन दोनों क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको, बस पहले लिख लो आप अच्छे से, लिख लो फटाफट लिख ले, चलो फास्ट, चलो देखो पहला मैं बताता हूं, सबसे पहले यहाँ एक्सेस है, मतलब पानी हमेशा एक्सेस में होता है, उसको मोल लिखने की जरूरत नहीं है। पहले प्रोटोनेशन होता तो प्रोटोनेशन होने के बाद ये बनता प्लस OH प्लस CH3, और दूसरा वाला रहता है अपने आप ऐसे रहता, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पानी आता बैक साइड से अटैक करता और ये बन जाता OH, ठीक है, उसी तरह रिपीट करते तो एक कार्बन पे OH आ जाता और मेरा 2 मिथेनॉल बन जाता है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो धड़ाधड़, यहां तक किसी को डाउट है तो पार्टी पार्ट मैंने किया, पहले ऊपर वाले पे प्रोटोनेशन करवाया अटैक करवाया तो 1 मोल मिथेनॉल बना, नीचे वाले पे करवाया 1 मोल मिथेनॉल बना, सिंपल हो जाए। अब बताओ जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बताओ यहां तक, जल्दी बोलो यहां तक, बोलो फटाफट यहां तक, बोलो यहां तक किसी को डाउट, जल्दी बोलो यहां तक किसी को डाउट, बोल दो पीछे क्या करना है। चलो इसको इसको बोलेंगे जेमिनल डायोल सर, डायोल, हाँ बोलो सर, ये नीचे OH कहाँ से आया? भगवान मैंने 2 बार फिर करवाया ना बाबा, नीचे इथर है, फिर उसी तरह दूसरा बार करवाया, तीसरा बार करवाया, पहली बार करवाया ऊपर वाला OH बना, नीचे वाला फिर करवाया OH बना, अरे क्या कर रहे हो भगवान, दिमाग डॉक्टर बनना चाहते हो छोड़ देंगे तो आप लोग कैसे चलेगा काम, बोलो यार बोलो, अरे पहली बार ऊपर पे करवाए तो OH बन गया, फिर नीचे पे फिर करवाया, फिर पहले H+ अटैक किया, फिर वाटर अटैक किया तो 2 मोल मिथेनॉल बन गया और एक कारण पे OH आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट, देख लो यहाँ तक डाउट है तो पूछो, पूछो सर। हाँ
हाँ बोलो दोनों की एक ही बारी में हो रहा है या फिर अलग अलग करके हो रहा है? वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आइडेंटिफाई करना सही नहीं होगा, वो अपने आप मतलब पार्टी पार्ट अटैक हमेशा पार्टी पार्ट ही होता है, ऐसे अटैक हमेशा पार्टी पार्ट ही होता है, एक साथ नहीं होता है कभी भी, पार्टी पार्ट होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है सर। ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन समझ में नहीं आया सर, लास्ट का प्रोडक्ट जो है भाई, दो तीन सब स्टेप लिखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं लिखता हूँ, चलो एक एक करके स्टेप लिखता हूँ। चलो भाई रुको, पेशेंस रखो, आप लोग दिमाग चलाओगे तभी तो दिमाग चलेगा, कोशिश करने कोशिश समझ गया सर, हो गया है। नहीं 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 समझे, नहीं समझे, अब तो मैं बता के रहूंगा, ठीक है? अब नहीं समझे। पहला प्रोटोनेशन हो गया और तुम्हारा OCH3, ठीक है? क्लियर है? अब तुम्हारा क्या हुआ, पानी जाके अटैक करेगा ऊपर वाले पे, अटैक कर दिया, ठीक है? क्लियर? जैसे होता था और ये टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया ऊपर OH और इधर है OCH3, अब मेरा मिथेनॉल बन के निकल गया CH3OH। फिर तुम्हारा ईथर है, पानी है, H2O है और H+ है, फिर से जाके अटैक किया, प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है? क्लियर है? कोई बोलेगा सर ये OH वाला क्यों नहीं प्रोटोनेट किया, सर आप ये भी तो कर सकते थे भाई, ये वाला ऑक्सीजन के पास ज्यादा लोन पेयर है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, तो आप ये जस्टिफिकेशन भी रख सकते हो कि सर ज्यादा अटैक कहाँ करेगा H+, जहाँ ज्यादा लोन पेयर होगा। तो ये बन गया CH3 और ये प्रोटोनेशन हो गया, फिर पानी अटैक किया होगा, तो क्लियर है? पानी अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, कार्बन पे ये OH हो गया, OH हो गया और इधर तुम्हारा CH3OH हो गया। अब बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है, जल्दी बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है, बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो फटाफट। सर जिम डायोल की स्टेबिलिटी कैसी है? अरे भाई आ रहे धीरे धीरे सब, फिर कभी स्लो चलते हो तो कभी फास्ट चलने लगते हो आप, तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, यहाँ तक डाउट है जल्दी बोलो फटाफट, यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी बोलो। नो सर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो जल्दी बता दो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो जल्दी से बोल दो, यहाँ तक किसी को डाउट है बोलो फटाफट, कोई डाउट कोई दिक्कत करे आगे? अरे बोलो भाई, करे कि नहीं करे? चलो ठीक है, सबसे पहले सुनो, अगर एक कार्बन पे दो OH है, ध्यान से सुनना, अगर एक कार्बन पे दो OH है तो अपना काम क्या है, पानी निकालना, क्या है अपना काम है, पानी निकालना, ये हमेशा याद रखो, अगर एक कार्बन पे दो OH है तो अपना काम क्या है, पानी निकालना, बस ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, पानी निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है? अगर एक कार्बन पे दो OH है मतलब जेम डायोल है, तो अपना काम क्या है, पानी निकलना, सिंपल सा क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो पहली बात लिख लो, बगल में ट्रिक लिख लो कि अगर एक कार्बन पे दो OH है तो हम क्या करेंगे, पानी निकाल देंगे, डबल बॉन्ड ओ बना देंगे, एक कार्बन पे दो OH है तो अपना काम क्या है, पानी निकालना, मतलब जेम डायोल आर हाईली अनस्टेबल, लिखो जेम डायोल आर, इसको बोलते जेम मतलब एक कार्बन पे दो OH है तो इसको बोलेंगे जेम, लिखो जेम डायोल आर हाईली अनस्टेबल, 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 ठीक है? क्लियर है? वो क्या करेगा, पानी निकाल देगा, क्या हुआ, पानी निकाल देगा। अब कोई पूछेगा सर मैं इसका मैकेनिज्म आप मेरे को बताओ, इसका कोई मैकेनिज्म पूछना चाहता है जल्दी बताओ, इसका कोई मैकेनिज्म जानना चाहता है जल्दी बोलो। चलो ठीक है, देखो इसका सबसे पहले दो तरीके से हम मैकेनिज्म बना सकते हैं, ये OH है, ये OH है, तो हमने क्या किया, प्रोटोनेशन करवा दिया, एक प्रोटोनेशन करवा दिया, तो जैसे ही एक प्रोटोनेशन हो गया ये बन गया सिंपल सा, ये बन गया OH2+ बन गया। मैंने आपको बता रखा था नाइट्रोजन के बाद OH2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये लोन पेयर दे देगा और ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल सा डबल बॉन्ड O और ये H जो है पहले से H था वो रहेगा। तो इस टाइप से इसका मैकेनिज्म होता है। कोई बोलता है सर मैं यहाँ से भी तो कर सकते थे मैकेनिज्म कि सर ये प्रोटोनेशन हुआ ऑक्सीजन लोन पेयर दे सकता था और ये लिविंग ग्रुप हट सकता था। हाँ आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते थे, बट हम लोग का जो टारगेट है आपको ये कॉन्सेप्ट बताना टारगेट है हम लोग का कि भाई अगर दो एक कार्बन पे दो OH है तो अपना काम है पानी निकालना, इस कॉन्सेप्ट के लिए हमने एक्चुअल में आपको ये बताया है, ठीक है ना, कि एक कार्बन पे दो OH रहेगा तो पानी निकल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से भी आप चाहो तो कर सकते हो, यहाँ से भी आप चाहो तो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्लियर है जल्दी बताओ, क्लियर है? हाँ ना, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो क्लियर है, ठीक है? एक कार्बन पे दो OH रहेगा तो पानी, लिखो जेम डायोल आर हाईली अनस्टेबल, लिखो जेम डायोल आर हाईली अनस्टेबल, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट मूव करे, नेक्स्ट मूव करे, जल्दी बताओ नेक्स्ट मूव करे, नेक्स्ट मूव करे, जल्दी बोलो फटाफट. क्लियर है? अच्छा कभी पूछना चाहते हो सर कब जेम डायोल स्टेबल हो सकता है, तो लिखो ट्रिक, लिखो ट्रिक, लिखो जेम डायोल तब स्टेबल हो सकता है जब बगल में बहुत ही ज्यादा माइनस एम इफेक्ट हो. बगल में जो ग्रुप है वो अगर बहुत ही ज्यादा माइनस एम इफेक्ट होगा या माइनस आई इफेक्ट होगा उस केस में पानी नहीं निकलेगा, उस केस में पानी तुम्हारा नहीं निकलेगा. लिखो जेम डायोल, ये तुम्हारा नहीं आएगा, अभी तक आया नहीं है, ये हाई लेवल हो गया, बट मैं आपको बता देता हूँ. जेम डायोल आर ऑनली स्टेबल व्हेन, लिखो जेम डायोल आर ऑनली स्टेबल व्हेन इफ ग्रुप इज हाईली माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट. जैसे सीसीएल थ्री पकड़ लो, जैसे ये वाला जो जेम डायोल है क्या इसके अंदर पानी निकलेगा? नहीं, इसके अंदर पानी नहीं निकलेगा क्योंकि ये सीसीएल थ्री है. क्या है? क्लोरल, इसको बोलते हैं क्लोरल. ये सीसीएल थ्री का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो यहाँ पानी जल्दी नहीं निकलेगा, इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रहेगा. ये माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये वाला जो जेम डायोल है वो स्टेबल है. ठीक है, क्लियर है? तो अच्छे से लिख लो. एक दो केस में जेम डायोल स्टेबल हो सकता है अगर बगल में जो ग्रुप है, मतलब ये जो ग्रुप है अगर वो बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, उस केस में क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा. क्लियर है यहाँ तक डाउट सबको? जल्दी बगल में ट्रिक लिख दीजिए. हाँ बोलो. इसका रीजन होगा, हाँ एनओ टू रहेगा, सीसीएल थ्री रहेगा, सब बहुत ही ज्यादा ग्रुप रहेगा जिसका माइनस आई इफेक्ट है, उस केस में ऐसा ये पॉसिबल है एक्चुअली. ठीक है कि स्टेबल रहेगा वो. हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट. इसका रीजन क्या है? माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो डेल्टा पॉजिटिव बहुत ज्यादा आ जाएगा तो प्रोटोनेशन को ज्यादा प्रमोट नहीं करने देगा वो, इसीलिए ऐसा. ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी को? जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट? जल्दी, यहाँ तक किसी को डाउट? जल्दी बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट? तो एक कार्बन पे अगर दो OH है, अगर एक कार्बन पे अगर दो OH है तो क्या करेंगे? अपना काम क्या है? जल्दी बोलो, अपना काम क्या है? अगर एक कार्बन पे दो OH है अपना काम क्या है? जल्दी बोलो, पानी निकालना. ठीक है, क्लियर है? अपना काम क्या है? पानी निकालना. ठीक है, क्लियर है? चलो. अरे भाई यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर. प्रॉब्लम यहाँ तक डाउट? चलो कोई दिक्कत? यहाँ तक डाउट? जल्दी बोलो फटाफट. नो सर. नो सर. यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े. yes, चलो 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 करें आगे. हाँ तो लिखो फाइन प्रोडक्ट फटाफट. इस बार इसको बना लो, सेकंड क्वेश्चन को बना लो सब लोग. अब तुम लोग बनाओगे, अब मैं नहीं बनाऊंगा. OCS3 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 चलो फास्ट जल्दी करो फटाफट जल्दी करो. कैसे बनाओगे? चलो पहले क्या करोगे? पहले प्रोटोनेशन कर दोगे तो OH OH बन जाएगा सब जगह. याद करो, हाँ ना? जल्दी बोलो, हाँ ना? OH OH बन जाएगा पार्टी पार्ट. अरे बोल भी दो यार. यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देख लो पीछे की तरह, किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं है. ओके अच्छा, अब क्या है? एक कार्बन पे तीन OH, दो OH से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा. दो OH से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा. और तीसरा OH रह जाएगा तो ये बन जाएगा एसिड. अगर एक कार्बन पे तीन OH है तो बनेगा एसिड, और अगर एक कार्बन पे दो OH है, ठीक है क्लियर है, तो वो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा. बगल में स्टार करके लिख लो. अगर एक कार्बन पे दो OH है, ठीक है क्लियर है,
तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन, और अगर एक कार्बन पे तीन OH है तो ये बन जाएगा एसिड। तुम ये ट्रिक हमेशा के लिए याद कर लो, तुम याद कर लो, अच्छे से रट लो, बहुत काम का है, बहुत काम का है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत, जल्दी बोलो फटाफट, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बोलो फटाफट। चलो ठीक है, लिखो फाइन प्रोडक्ट, जल्दी लिखो फाइन प्रोडक्ट, फटाफट शुरू हो जाओ। ये हम लोग को 8 मिनट के अंदर कर लेना है, पूरा का पूरा 8 मिनट के अंदर कर लेना है, ठीक है, 8 मिनट के अंदर कर लेना हम लोग को, बिकॉज टाइम अपने पास बहुत ही कम है। स्पेस छोड़ देता हूँ, आप लोग जिस तरह से कर रहे हो मुझे ही सॉल्व करवाना पड़ जाता है, आप लोग बहुत बदमाश खच्चड़ हो। चलो खच्चर बोलता तो वो बुरा तो नहीं लगता है ना, खचेड़वा बोलू मैं, जल्दी बोलो क्या समझ आया? अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है, हाँ सर, जन्म से, जन्म से मम्मी वही बोल रहा है मुझको। क्या बात है। चलो कोई नहीं, अरे भाई ये ना सर आपका अच्छा क्लियर पक्का डाउट वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है। कौन सा कौन सा कौन सा? अच्छा क्लियर पक्का डाउट। अच्छा अच्छा क्लियर पक्का, चलो कोई नहीं। आप लोग बेटा, आप लोग को डांटते डांटते मैं सपने में, आप लोग सपने मेरे आने लगे हो। चलो कोई नहीं, हम धंधे हो गए सर। नहीं नहीं चलो जल्दी से करो, हाँ प्रोडक्ट निकालो फटाफट, बहुत सारा क्वेश्चन करवाना है। अरे यार ये बार बार स्क्रीन पे दिक्कत हो रहा है। चलो हाँ जल्दी जल्दी करो फटाफट, थर्ड हो गया, जल्दी से करो थर्ड क्वेश्चन करो, थर्ड करो जल्दी करना, और कुछ क्वेश्चन घर से बना लेना क्योंकि सब करवाऊंगा तो टाइम निकल जाएगा। सर ये आपने क्या बनाया है समझ नहीं आया, ये थोक्सी व्यंजन है। चलो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, तो अब दिख रहा है। यस सर। एक और बनाना सीख जाओगे तो धर धर आप बना लोगे। मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप बना लेना। मैं एक दो कर दूंगा यहाँ से, यहाँ से मैं एक दो कर दूंगा सर, बाकी के आंसर की दे देना। नहीं 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 सामने करेंगे, आंसर की क्या हो, ये सब सबके लिए आंसर की देते रहेंगे तो तुम मेहनत कैसे करोगे। मैंने आपको बताया था ना एक बार स्टोरी, कि टीचर अगर आपसे ज्यादा काम करवा रहा है ना तो वो टीचर ज्यादा सही है आपके लिए। अगर टीचर सब कुछ कर दे रहा है ना तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, बिकॉज तुम अपना मेहनत करना भूल जाओगे। बच्चे को बताना चाहिए, जितना डाउट, डाउट बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आसानी से अगर कोई चीज मिल जाएगा तो तुम वैल्यू उसका नहीं करोगे ना। हम लोग को भी बुरा लगता था, ऐसा नहीं है, हम लोग को भी टीचर्स ऐसे ही करते थे, बट हम लोग क्या थे उसको माइंड नहीं करते थे, क्या हम लोग को बनाना है, मतलब बनाना है। और देखो इसीलिए आज शायद रिजल्ट, मतलब आज पहले के जमाने के कंपेरिजन में देखो कट ऑफ कितना, ये खाली नीट का छोड़ दो, नीट में बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। नीट के बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप अगर जेई का देखोगे तो जेई का लेवल हर साल, मतलब जो बच्चों का लेवल है वो गिरते जा रहा है। आप देखो मेंस का पहले कट ऑफ तुम्हारा क्या होता था, 125 130, अभी तुमको 125 130 में अच्छा NIT मिल जाता है, ठीक है समझा। मैं जब दिया था तो मेंस का कट ऑफ ही था सिर्फ 125, ठीक है। नीट में क्या हुआ ना कि सडनली बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे बढ़ गए, चलो फटाफट। सफिशियंट एग्जाम्पल कर ले रहे हैं अभी ताकि आपका प्रैक्टिस क्लियर हो जाए।
सर इसमें से हम सब नेम रिएक्शन भी करवाएंगे ना इसमें? हाँ इसमें नेम रिएक्शन तो नहीं है, नेम रिएक्शन जब आएगा तो करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो पढ़े नेम रिएक्शन, विलियमसन पढ़े, फिंकलस्टेन पढ़े, ठीक है। नहीं नहीं सर, आपने जो होमवर्क दिया था ना वहाँ पर सर दो चार ऐसे था कि सर नेम रिएक्शन, मैंने आपको बोल दिया था जो अभी नहीं, अभी हम लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म वाइज, मतलब जहाँ जहाँ वो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वहाँ वहाँ पढ़ रहे। अभी देखो इथर पढ़ रहे हैं, अभी सोचो तो इथर तो अल्काइल हाइड के अंदर नहीं आता ना, राइट? तो इसीलिए वो तुम टेंशन मत, वो हम मेरा डिपार्टमेंट है, तुम चिंतित मत। तो सर मैं सर इस चैप्टर को मतलब नया नाम दे दूं, मतलब इथर को, मतलब ऐसा नहीं, नहीं नाम नहीं देना, नाम अल्काइल हाइड ही देना है, तुम ज्यादा नाम मत दो, जो नाम मैंने दिया वो काफी है, तुम अपना एक्स्ट्रा नाम मत दो अभी, ठीक है? नहीं देना है नाम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ते रहो बस, अल्काइल हाइड के अंदर ही चल रहा है, आप ऐसा सोचो, ठीक है? ओके सर। नाम तुम नाम मत दो भाई, चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया, चलो जल्दी करो फटाफट, चलो वन से लेके फटाफट 1 2 3 4 5 6 धारा शुरू हो जाएंगे, पहले लिख लो अच्छे से, पहले क्वेश्चन लिख लो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है सारा, उसका आगे वाला पेज दिखाइए ना, उसका आगे वाला पेज कौन सा? हाँ पीछे वाला ना, हाँ आगे वाला, जल्दी करें फटाफट, आज एनसीईआरटी का इथर वाला सेक्शन जाके पढ़ लेना, जरूरत नहीं है फिर फ्री पढ़ने से आपका दिमाग काम करे। चलो मैं स्टार्ट करूं पहला से, आप लोग बोलते जाना, आप लोग पहले ट्राई कर लो, 5 मिनट दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कर लो और ग्रुप में मुझे भेज दो, आप लोग ट्राई कर लो ग्रुप में मुझे भेज दो जल्दी से। चलो पहला करें, पहला हो गया, पहला तो हो गया ना सबका? यस सर, यस सर, जल्दी करो थोड़ा सा, लोग करते हैं ना फटाफट, फर्स्ट कर देता हूं मैं, यहां तक पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोडक्ट भी बना सकते हो, ये वाला ऑक्सीजन किसके पास जाएगा? फिनाइल के साथ, मतलब फिनाइल के साथ ही जाएगा, तो पहले प्रोटोनेशन करके मैं मैकेनिज्म इसलिए बना रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो, ताकि आपको एग्जाम में आप इजीली भी देख पाओ, बट मैकेनिज्म ठीक है, नीट लेवल में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहता हूं, बट फिर भी सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, नीट लेवल में तो आप डायरेक्टली देख के प्रोडक्ट बना सकते हो, मतलब कुछ जरूरत ही नहीं है, और लास्ट में एनसीईआरटी रिवीजन करवा देंगे तो ऐसे ही सब काम बन जाएगा। चलो ठीक है आगे,
आगे आर आर ये आर डैश होगा, ये क्या OHOH होगा, OHOH होगा, एक कार्बन पे दो प्लस दो मोल मिथेनॉल होगा, एक कार्बन पे दो OH, ठीक है क्लियर है, क्या होगा पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है क्लियर है, पानी निकल जाएगा सर। चलो हाँ बोलो। तो इसमें से ये वाला तो हुआ मतलब, पर सोच रहे थे कि सर वो मतलब दो डिग्री होने से जो ब्रेक होता है ना मतलब इंटरनल सीवेज वाला मतलब वो सब कुछ नहीं होगा। वो भी सोच सकते हैं, वो भी सोच सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है ना, वो कोई कोई मैटर नहीं करता है। अभी देखो यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि थ्री डिग्री, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है समझे ना, वो कोई इशू नहीं है। तुम सही सोच रहे हो कि सर ठीक है यहाँ यहाँ वाला सर टू डिग्री है तो आप थोड़ा सा मतलब कार्बोकेटन बना के करो, ठीक है कर सकते हो, क्या दिक्कत है, अगर तुम करोगे प्रोटोनेशन होगा, ठीक है करो, क्या प्रॉब्लम है, इन डब्ल्यू डी प्रोडक्ट सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है समझ आ रहा है, समय क्या पूछ रहा है, ठीक है अगर तुम कोई चाहते हो तो तुम ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी तुम्हारी मर्जी। ये कार्बोकेटन बन गया, जैसे मैंने बताया था इंटरनल क्लीवेज OCH3 है, पानी अटैक कर जाएगा पॉजिटिव पे, फिर तुम्हारा वही सेम तरीका हुआ ना भाई, इन डब्ल्यू डी प्रोडक्ट सेम ही आएगा, क्लियर है समझ आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर समझ में आया, कोई डाउट, कोई दिक्कत है यहाँ तक, फर्स्ट सेकंड कितने लोगों का सही है, फर्स्ट सेकंड कितने लोगों का सही है, फर्स्ट सेकंड कितने लोगों का सही है, कमेंट यस, फर्स्ट सेकंड कितने लोगों का सही है, कमेंट यस, दादर फर्स्ट सेकंड कितने लोगों का सही है, कमेंट यस, चलो ठीक है इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, पहले क्या होगा प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन हो गया, चलो प्रोटोनेशन करवा लो, मैकेनिज्म वाइज भी चल, मैकेनिज्म वाइज ही चलो सीखने के लिए, प्रोटोनेशन हो गया, ओके क्लियर है, और इधर हो गया OET, ठीक है, ये क्या होगा, अपने आप भी टूट सकता है, खुद सोचो अपने आप क्यों टूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कार्बोकेटायन जो बनेगा वो बैक बॉन्डिंग से क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो आप चाहो तो वो भी सोच सकते हो, बिकॉज ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है बैक बॉन्डिंग करेगा। अब तुम्हारा क्या हुआ, अब तुम सोचो फिर से पानी आया अटैक कर दिया जहां पॉजिटिव है, जैसे पीछे कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो अटैक करवा दो, ये OH हो गया और इधर क्या हो गया OET हो गया, और फिर तुम्हारा OH हो गया, फिर तुम्हारा प्रोटोनेशन करवा दो, यहाँ प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है क्लियर है, अभी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा, तो आप अगर प्रोडक्ट देखोगे तो प्रोडक्ट देखोगे तो कैसा आएगा, प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, ध्यान से तुम देखो तो प्रोडक्ट OH दिखेगा और डबल बॉन्ड ओ ऐसा दिखेगा प्रोडक्ट, सही है देखो सही है, चेक कर लो सबका आ गया प्रोडक्ट, चेक कर लो सबका, यही प्रोडक्ट आया था, देख लो यही प्रोडक्ट आया था, हाँ ना देख लो फटाफट, यही देख लो आया था प्रोडक्ट, ये चेक करो आया था, आया था प्रोडक्ट, देखो फिर से बता देता हूँ, ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया मतलब लोन पेयर प्रोटोनेट कर दिया और अपने आप ये ब्रेक हो गया, क्यों अपने आप ब्रेक हो जाएगा, आप चाहो तो वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोकेटायन बनने से क्या है स्टेबिलिटी गेन कर रहा है ना, स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, यहाँ भी कर सकता था मैं, जो समाया पूछ रहा था वो भी कर सकते थे, कोई मुद्दा नहीं है, प्रोडक्ट सेम ही आएगा, कोई मुद्दा नहीं है, प्रोडक्ट सेम ही आएगा, उसके लिए आप चिंता मत करो। तो पॉजिटिव आ गया, लोन पेयर अटैक किया, वाटर का लोन पेयर अटैक किया, OH बन गया, अभी क्या हुआ फिर से प्रोटोनेशन होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इथर का, फिर क्या होगा जैसे ही देगा OET हट जाएगा, ETOH हट जाएगा, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो क्लियर है सबको, क्लियर है या फिर से एक्सप्लेन करना है, क्लियर है या फिर से एक्सप्लेन करना है, बोल दो क्लियर है, सर एक बार रिपीट कीजिए, एक बार रिपीट करें सर वो लास्ट वाला, चलो ठीक है हाँ सर रुको ठीक है, चलो एक बार यहाँ एक एक करके मैं समझा देता हूँ फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। और OET है कुछ नहीं, पहले क्या हुआ H+ पहले प्रोटोनेट कर गया, प्रोटोनेट कर गया, प्रोटोनेट कर गया, ओके यहाँ तक डाउट किसी को जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट नो सर। अब सुनो, अब देखो बॉन्ड टूटने के लिए इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है, किधर तोड़े लेफ्ट या राइट, टूटने से पॉजिटिव किधर अच्छा बनेगा, टूटने से पॉजिटिव किधर अच्छा बनेगा, लेफ्ट या राइट, टूटने से पॉजिटिव किधर अच्छा बनेगा, इस कारण पे पॉजिटिव अच्छा बनेगा, इस कारण पे राइट वाले पे, क्यों ध्यान से खुद देखना, खुद देखना क्या रीजन है पॉजिटिव बनने का, बिकॉज बैक बॉन्डिंग हो रहा होगा, यहाँ लोन पेयर जो है बैक बॉन्डिंग कर रहा होगा इसके ऑर्बिटल को, सही है सही है, जल्दी बोलो सही है, हाँ ना जल्दी बोलो, हाँ ना yes, जल्दी बोलो, चलो ठीक है, अब ये पॉजिटिव है,
इसका मतलब पानी कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा ना बाबा। अरे बोलो भाई, पानी पे पॉजिटिव जाके अटैक करेगा ना, हाँ या ना, बोल भी दो यार। और ये OET रहा और ये OH रहा। अब बोलो यहाँ तक डाउट किसी को, जल्दी बोलो यहाँ तक किसी को डाउट। चलो ठीक है, फिर से प्रोटोनेट हो गया, फिर से H प्लस आया, प्रोटोनेट कर दिया। क्यों प्रोटोनेट कर दिया? बिकॉज ईथर प्लस आई इफेक्ट, तो वहां ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये रहेगा OH2 प्लस। कोई डाउट जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट? सॉरी OH रहेगा ये OH प्लस। यहाँ तक किसी को डाउट जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट जल्दी बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट? ये लोन पेयर क्यों प्रोटोनेट कर रहा है? ड्यू टू इथाइल का प्लस आई इफेक्ट। अब देखो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी बोलो OET प्लस अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऐसा ना, जल्दी बोलो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको दे देगा बॉन्ड को और ये निकल के हट जाएगा। ये क्या बन गया तुम्हारा, ध्यान से देखो, ये बन गया तुम्हारा ये OH और ये बन गया डबल बॉन्ड O और ये हो गया E2OH। सही है, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, बनाओ बनाओ तब समझ में आएगा, बनाओ जल्दी से, खुद बनाओ। टफ प्रॉब्लम है ये, टफ प्रॉब्लम है, एकदम एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है ये सब। देख लो अच्छे से, बनाओ खुद बनाओ, दो मिनट में हूँ, दो मिनट में हूँ, बनाओ पहले, बनाओ पहले जल्दी से। क्लियर है? देखो जल्दी से, क्लियर है? देखो अच्छे से, क्लियर है? देखो अच्छे से, क्लियर है? डाउट? यस सर। क्लियर है सबको? देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से, देख लो, इसी का बेस लेके आगे टफ प्रॉब्लम करेंगे, ये सब प्रैक्टिस के लिए है। ध्यान से देख लो अच्छे से। हाँ बोलो। हाँ सर, वो लास्ट में वो जेम डायोल बनने के बाद वाटर मतलब रिमूव होने के बाद डबल बॉन्ड आया ना? नहीं, जेम डायोल नहीं बन रहा है। हाँ जेम डायोल भी सोच सकते हो आप, जेम डायोल भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो जेम डायोल भी सोच सकते हो, क्या प्रॉब्लम, जैसे भी तुम सोच लो बाबू, क्या दिक्कत है। तुम जेम डायोल भी सोच सकते हो, क्या प्रॉब्लम, फिर पानी अटैक करेगा, फिर वो भी सोच सकते हो, क्या मैटर करता है। चाहे तुम एक स्टेप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, तुम्हारा मर्जी करता है। अगर तुम चाहो तो ये भी स्टेप सोच सकते थे, ये OH रहा और एक कार्बन पे दो OH, दो OH, ठीक है, ये भी कर सकते थे, क्या मैटर करता है। जो तुमको सोचना है, जैसा सोचना है। आप चाहो तो इसको भी लोन पेयर देके लिविंग ग्रुप बना के हटा सकते थे, दोनों करेक्ट मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट जल्दी बोलो। चलो एक प्रॉब्लम मैं और आपको बताता हूँ, एक प्रॉब्लम। हाँ बोलो सर, ये वाला अगर बेसिक है तो एडवांस लेवल का प्रॉब्लम कैसा है? नहीं नहीं, बेसिक नहीं है, एडवांस लेवल का ही प्रॉब्लम। चलो ठीक है, क्लियर है। चलो अगेन यहाँ क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। अगेन फिर से देखो, प्रोटोनेशन होगा, तो प्रोटोनेशन होने के बाद एक बात बताओ, ये बन गया, ठीक है, क्लियर है। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कभी ये बॉन्ड टूट सकता है? ये सनो, कभी लेफ्ट वाला बॉन्ड टूट सकता है? नहीं टूट सकता। क्यों नहीं टूटेगा? क्यों नहीं टूटेगा जल्दी बताओ, क्यों टूटेगा नहीं? डीबीसी डबल बॉन्ड करेक्टर, ये क्या होगा, अटैक करेगा और ये हट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो एक बन जाएगा फिनॉल और दूसरा बन जाएगा 2° अल्कोहल, क्लियर है? ये सनो सही है, सही है, देख लो सही है, हाँ ना, सही है। चलो ठीक है, यहाँ ये, हाँ बोलो सर, यहाँ पे H2O बैकसाइड अटैक कर रहा है, लेकिन ये तो SN1 भी हो सकता है, SN1 भी, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल क्लीवेज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पानी है इसीलिए 2° है, तो SN1 ही हम लोग लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जैसे भी बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप चाहो तो पहले इसको ब्रेक कर दो, कार्बोकेटायन बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको लेके कोई चिंता विषय नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। देख लो यहाँ मैं, चलो बना देता हूँ, पॉजिटिव बन गया, आप पानी अटैक करवा दो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब करवा दो, वो कोई मैटर नहीं करता है। पानी रहेगा 2° रहेगा तो क्या होगा, SN1 ही होगा। कोई पूछेगा इसका मैकेनिज्म क्या है, SN1, क्लियर है? क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है। चलो ठीक है, अभी चलो प्रोटोनेशन करवाओगे, प्रोटोनेशन करवा दो। प्रोटोनेशन करवाने के बाद ध्यान से देखना, एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण चीज यहाँ फिर से ऑब्जर्व करना, ठीक है। प्रोटोनेशन हो गया, अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करूं, लेफ्ट या राइट? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करे CO बॉन्ड या यहाँ वाला ब्रेक करे, जल्दी बोलो, कौन सा ब्रेक करे, कौन सा ब्रेक करे, लेफ्ट या राइट? राइट, राइट वाला, क्यों राइट वाला क्यों ब्रेक करे, राइट वाला क्यों ब्रेक करे, जल्दी बोलो, राइट वाला क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट है, मतलब DBC आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझे। तो यहाँ वाला ऑक्सीजन क्या होगा, इसके साथ रहेगा, ठीक है, OH, और ये वाला तुम्हारा क्या है, ये रहा OH। कोई दिक्कत, कोई डाउट, देख लो अच्छे से, कोई डाउट, सही है, देखो अच्छे से फटाफट, कोई दिक्कत, कोई डाउट, देख लो अच्छे से, क्लियर है। बना के देखो, बना के देखो, तभी होगा, बना के देखो, बना के देखो। एक मिनट टाइम दे रहा हूं, एक मिनट टाइम दे रहा हूं, देख लो, एक मिनट टाइम दे रहा हूं, देख लो, एक मिनट टाइम दे रहा हूं, देख लो।
ये टफ लेवल के प्रॉब्लम है, दम हाई लेवल के प्रॉब्लम है, हाई से हाई लेवल के प्रॉब्लम है। क्लियर है? क्लियर? यस सर। क्लियर है सबको? yes, चलो एक और कर देता हूँ आपके लिए, एक और yes, कर देता हूँ। ये सब बना के देखना। अरे देखो मैं चाहूँ तो ये सब सम को स्किप कर सकता हूँ ताकि आपको खुशी हो, बट मैं नहीं कर सकता ऐसा। टफ तो लगेगा भाई, ये सब आसान लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये सब है, मतलब मजेदार प्रॉब्लम है, तो इसको तुमको पढ़ना पड़ेगा। भले ही नीट में नहीं आएगा ज्यादा, बट ठीक है, अपने को पढ़ना पड़ेगा, हमारा काम है पढ़ना। चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया, ऑक्सीजन पे अटैक कर, प्रोटोनेशन हो गया पहली बात। चलो पहला स्टेप, मैं डायरेक्टली चाहूँ तो बना सकता हूँ, डायरेक्टली बना सकता हूँ चाहो तो। चलो प्रोटोनेशन हो गया, अब पानी अटैक करेगा, जल्दी बोलो। चलो पानी अटैक करेगा, कैसे सोचे? चलो आप किधर भी खुद सोचो, ये 2 डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो ऐसा भी सोच सकते हो कि सर अपने आप ये ब्रेक हो जाएगा और कार्बोकैटायन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसा चाहो तो ऐसा सोच सकते हो, दोनों करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या OH है, चलो ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारा यहाँ पानी आ जाएगा, अटैक कर जाएगा। देखो ध्यान से, देखो तो ध्यान से देखो, पानी अटैक करेगा, H2O पानी अटैक कर गया, ठीक है? क्लियर है? यहाँ अटैक कर गया। ध्यान से देखना प्रोडक्ट क्या होगा, ये हो गया OH और ये तुम्हारा ऑक्सीजन और ये तुम्हारा ये और ये OH, ठीक है? क्लियर है? फिर से क्या होगा, फिर से तुम्हारा क्या होगा, फिर से इस पे प्रोटोनेशन हो गया और ये लोन पेयर अपना दे देगा, डायोल भी सोच सकते हैं, गायब हो गया। तो देखो ये बन गया इथिलीन ग्लाइकोल, क्या बन गया? ये इथिलीन ग्लाइकोल बन गया और ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। किसी को दिक्कत है देख लो अच्छे से, किसी को दिक्कत है देख लो अच्छे से, किसी को दिक्कत है देख लो फटाफट। नो सर। किसी को दिक्कत है तो देख लो, फिर से करना है तो फिर से बोल दो, फिर से करवा दूंगा। किसी को फिर से करना है तो बोलो, फिर से करना है क्या? फिर से करूं मैं, फिर से करूं? देखो अगर किसी को फिर से करना है तो मैं करवा देता हूँ। चलो यहाँ फिर से करवा देता हूँ, ठीक है? इधर देखो, फिर से देखो। चलो पार्टी पार्ट देखना, पार्टी पार्ट खुद करो, करने से होगा। आप नहीं करोगे ना मैकेनिज्म तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो कुछ नहीं करना है, पहले H+ प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन करवा दो। ओके प्रोटोनेशन करवा दो, ठीक है? क्लियर है? प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्ड O और ये, ठीक है? क्लियर है? अब क्या हुआ? ठीक है, अब क्या होगा? ये 2 डिग्री है तो मैं पूरा मैकेनिज्म चलता हूँ, अपने आप ब्रेक हो गया, ठीक है? कार्बोकैटायन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा भी चाहो तो सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये OH हो गया, चलो ठीक है। फिर तुम्हारा क्या आ गया? पानी आ गया, डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है इसको, मतलब कार्बन कार्बोकैटायन सीधे दिख रहा है, तो भाई ये तो मस्त तरीके से अटैक कर देगा। ओके अटैक हो गया, अटैक हो गया, अटैक हो गया, ये OH रहा, ठीक है? क्लियर है? रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्बन और है, सॉरी कार्बन अच्छे से बनाओ, ठीक है? चलो एक कार्बन और बनाओ और ये तुम्हारा OH, ध्यान से यहाँ OH बना, रहने दो। और ये तुम्हारा क्या? ऑक्सीजन और ये तुम्हारा कार्बन, ठीक है? क्लियर है? चलो फिर से प्रोटोनेशन हो गया, चलो रहने दो। पानी अटैक करेगा, पानी अटैक करेगा तो क्या होगा? पानी किधर अटैक करवाए? किधर कार्बोकैटायन बनाए? कार्बोकैटायन यहाँ भी बना सकते हैं, चाहे फिर से पानी अटैक करवा सकते हैं, तो पानी अटैक करवा दो। ओके पानी अटैक करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कार्बन पे क्या बन गया? 2 OH, ठीक है? और ये बन गया OH और OH, ठीक है? क्लियर है? एक कार्बन पे 2 OH, क्या करेगा? पानी निकल जाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर है? जल्दी देखो, क्लियर है? देखो जल्दी, क्लियर है? देख लो अच्छे से, क्लियर है? जैसा भी चाहो तो यहाँ कार्बोकैटायन भी बना सकते थे, क्लियर है? देख लो अच्छे से, देख लो, क्लियर है? देख लो, फिर से देख लो, क्लियर है? सर वहाँ पे H2O जब निकल रहा है तो सिर्फ O ही रहेगा ना? कौन सा कौन सा कौन सा? नहीं नहीं है, है H है, H है, H है भाई, H है। हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ बोलो सर, मैं वही का पूछ रहा था सर, साइड वाला ये CHO रहेगा, साइड इथाइल का तो H2O वहाँ से जब निकल रहा है तो हाँ हाँ डबल H और O निकल जा रहा है तो O बचा। हाँ एक H2O पानी निकल रहा है ना तो एक एक ही O बचा ना, तो एक H तो पहले से है ना भाई, कार्बन का 4 बॉन्ड। अबे क्या कर रहा है? हाँ हाँ बोलो, और बोलो, और बोलो जल्दी बोलो, कोई बोल रहा था बोलो। सर मैं बोल रहा था कि मेरा सर लाइन मतलब कट गया था तो कुछ नहीं सुन पाया, और एक बार रिपीट कर देंगे? देखो हाँ फिर से देखो, पहले क्या कर, प्रोटोनेशन कर रहा है, एज यूजुअल प्रोटोनेशन कर रहा है,
रोटेशन करने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्गो कैटायन बन गया। मैकेनिज्म तुमको खुद दिख जाएगा, ये जाके फिर से अटैक किया लोन पेयर, फिर से ये बॉन्ड है, फिर से क्या हुआ, फिर से प्रोटोनेशन हुआ और ये बॉन्ड तुम्हारा क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, क्लियर है, बॉन्ड तुम्हारा क्या हो गया, टूट गया। तो ये सिंपल सा कार्बन पे OH और OH और इधर तुम्हारा क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, क्लियर है। अब ये तुम्हारा क्या होगा, पानी निकल जाएगा। इस टाइप से करके तुम फॉलो करोगे, तुम जैसा भी करना चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे। चाहे तो तुम ये भी कर सकते थे कि प्रोटोनेशन की अटैक करवाए एक कार्बन पे OH, ऐसा भी चाहो तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा सपोज करो कि कोई चाहता है ऐसा, मैं दिखाता हूँ, चलो कोई चाहता है अगर ऐसा, अरे यार चलो कोई, अरे यार पेज चेंज नहीं हो रहा है, चलो आए करो, आए करो आप लोग, आए करो। चलो ठीक है, फटाफट। हाँ देखो, एक और भी चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो मैकेनिज्म। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है, प्रोटोनेशन करवा दो। ओके, प्रोटोनेशन करवा दो, प्रोटोनेशन करवा दो। ओके, प्रोटोनेशन हो गया। ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया। ठीक है, पानी अटैक करवा दो बैक साइड से, जो भी करना चाहो। अटैक कर गया, ये खुल गया। उसी तरह एक कार्बन पे क्या आ गया, दो OH और दो OH और ये तुम्हारा इथिलीन ग्लाइकोल बन गया। सही है, देखो सही है, क्लियर है, देखो सही है, जल्दी बोलो सही है। ये भी कर सकते हो चाहो तो, क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, अरे क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो फटाफट। आप ये भी कर सकते हो चाहो तो, एक कार्बन पे दो OH पानी निकाल दो। आप जैसा भी करोगे प्रोडक्ट सेम ही आएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा भी आप करोगे प्रोडक्ट तुम्हारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो उसको लेके मत सोचो, उसको लेके मत सोचो, जल्दी बोलो। क्लियर है यहाँ तक डाउट? चलो इसको देखो, अब इस क्वेश्चन को खुद करो, इस क्वेश्चन को खुद करो, सेवन को खुद करो। तो यहाँ देखो, मैं चाहूं तो ऐसा भी करता हूँ, चलो ट्रिक भी बताता हूँ इसका। देखो आप कुछ नहीं करो, आप यहाँ ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो और एक कार्बन पे क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा और इथिलीन ग्लाइकोल आ जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट होगा, घर में बनाना, कोई दिक्कत होगा दोबारा पूछना। चलो यहाँ भी क्या होगा, एक कार्बन पे क्या होगा, जल्दी ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो। तो एक कार्बन पे क्या आएगा, दो OH आएगा और इथिलीन ग्लाइकोल होगा। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल होगा, फिर क्या होगा, एक कार्बन पे दो OH क्या करेगा, पानी निकल जाएगा, तो साइक्लोहेक्सानॉन बन जाएगा। चलो ये कितने लोगों का सही है, कमेंट टेस्ट करो तो। ये सेवन कितने लोगों का सही है, कमेंट टेस्ट करो तो। सेवन कितने लोगों का सही है, कमेंट टेस्ट करो फटाफट। सेवन कितने लोगों का सही है, कमेंट टेस्ट करो। शुभम का सही है, और वर्णा का सही है, और उसासी का सही है। चलो ठीक है, अगेन देखो, अगेन क्या होगा, यहाँ अगेन खुद से करो, पार्ट ए पार्ट प्रोटोनेट करोगे। तो देखो, अगर मैं तुमको बनाऊ, अगर देखो इधर, अगर सपोज करो कि हम ये देखते हैं, ये इधर OH आ गया और एक बार OH इधर की वजह से आएगा और एक बार OH इधर की वजह से आएगा। ये देखो तो ये सही है, यहाँ तक डाउट है किसी को, देखो तो फटाफट जल्दी से देखो। पहले इस पे प्रोटोनेट करवाएं तो एक OH यहाँ आया, फिर एक इधर आ गया, इस पे करवाएं, क्लियर, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है, हाँ ना, जल्दी बोलो क्लियर है। देखो जल्दी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखो एक कार्बन पे यहाँ दो OH आएगा, कैसे आएगा, एक तो कॉमन है ना, बीच में कॉमन है। एक बार प्रोटोनेट करवाएं तो एक बार OH यहाँ आया, फिर दूसरी बार करवाएं तो OH यहाँ आया, क्लियर है, जल्दी बोलो। अब तुम्हारा क्या, एक कार्बन पे दो OH है तो क्या करोगे, पानी निकाल दोगे। तो पानी निकाल दोगे तो ये देखो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। देखो तो फटाफट, देखो तो सही आ रहा है, चेक करो तो फटाफट सही है, देखो तो फटाफट सही है, चेक करो सही है, देखो कितने लोगों का सही है, चेक करो, कमेंट टेस्ट कर दो, पार्टी पार्ट करो, खुद करो, खुद बना के करो। किसी को दिक्कत हो मेरे को भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप में टैग कर देना मेरे को, सर मैकेनिज्म में इसमें कोई बना, खुद बना के देखो। पहले एक बार में समझ में नहीं आएगा, करना होगा, टफ है, बहुत टफ है, सब आसान नहीं है, हलवा नहीं है ये सब। ठीक है, ये सब एडवांस वाले बच्चे से भी हिलता नहीं है, तुम हिला दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है, इसमें आसान नहीं है। चलो ठीक है,
यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट? चलो ठीक है, अगेन अगेन देखो, अगेन क्या होगा, एक स्टेप में समझाऊंगा। पहले प्रोटोनेशन होगा, एक कार्बन की बात कर, प्रोटोनेशन होगा, चलो मैं एक पे बताता हूँ। पहले प्रोटोनेशन हो गया, चलो ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। प्रोटोनेशन हो गया तो अब क्या होगा, पानी क्या करेगा, अटैक करेगा, अटैक किया, ये खुल गया। अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, अभी ये क्या हो गया, इस पे OH हो गया, ठीक है, क्लियर है। और इधर तुम्हारा O है, और इधर तुम्हारा कार्बन है, कार्बन रहने दो, ऑक्सीजन है, फिर तुम्हारा कार्बन है, उस पे OH आ गया। चलो फिर सुनो, फिर प्रोटोनेशन हो गया, ओके, फिर प्रोटोनेशन हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोटोनेशन हो गया तो अभी क्या आएगा, खुद सोचो, या तो तुम इसको लोन पेयर सोचो कि ये आ गया और इसको पूरा भगा दिया, या तो दोबारा क्या करो, OH को अटैक करवाओ। तो एक कार्बन पे दो है, चलो मैं उसी टाइप से करता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले, उसी टाइप से करता हूँ मैं और ताकि और आपको क्लैरिटी मिले। अगेन अगेन क्या होगा, अगेन तुम्हारा क्या होगा, पानी अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल के निकल जाएगा। तो एक कार्बन पे दो OH क्या आएगा, एक कार्बन पे दो OH क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो यहां से एक एल्डिहाइड बनेगा, यहां से एक एल्डिहाइड बनेगा, और यहां से एक एल्डिहाइड बनेगा। तो ये तीन मोल मिथनल बनेगा, मिथानल बनेगा, देखो तो तीन मोल बनेगा, देखो तीन मोल मिथानल बनेगा, जल्दी देखो तो तीन मोल मिथानल बनेगा, जल्दी बोलो सही है, देखो तीन मोल मिथानल बनेगा, चेक कर लो, तीन मोल मिथानल बनेगा, सही है, देख लो अच्छे से। अरे भाई यहाँ तीन ही कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। पहले कार्बन पे देखो OH OH आया तो वो हट गया, फिर दूसरे कार्बन पे OH OH आएगा वो हट जाएगा, तीसरे कार्बन पे OH OH हट जाएगा वो हट जाएगा। देखो क्लियर है, देख लो अच्छे से, फिर से बताना है क्या, फिर से बताना है, जल्दी बोलो, फिर से बताना है क्या, जल्दी बोलो, फिर से बताना है? नो सर। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो सर, वो HCHO लिखा है आपने? हाँ CHO, हाँ मिथानल। देखो एक कार्बन पे OH OH आएगा तो क्या बन जाएगा भाई, देखो ये गायब हुआ तो एक कार्बन पे क्या है, दो OH OH है, एक कार्बन पे दो OH है बन रहा है ना, तो क्या होगा, मिथानल बन जाएगा ना, तो तीन कार्बन है, तीन मिथानल बन जाएगा। चेक कर लो, सही है, सही है, क्लियर है, जल्दी करो, क्लियर है, जल्दी करो, क्लियर है? यस। चलो अच्छा, यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट, जल्दी बोलो, यहां तक किसी को डाउट, कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, अच्छा अब यहाँ लोन पेयर है और पाई बॉन्ड है, किसको प्रोटोनेट करवाएं, किसको H प्लस से अटैक करवाएं, लोन पेयर को अटैक करवाएं या डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड को अटैक करवाएं, किसको अटैक करवाएं, किसको अटैक करवाएं, जल्दी बोलो किसको अटैक करवाएं, किसको अटैक करवाऊं मैं, किसको अटैक करवाऊं, पाई बॉन्ड को। देखो पाई बॉन्ड वीक होता है तो पाई बॉन्ड पहले अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड जाके अटैक, बगल में लिख लो कि पाई बॉन्ड विल अटैक फास्ट। पाई बॉन्ड क्या होता है, अटैक जल्दी करता है, बिकॉज उसका जो लोन पेयर होता है वो दूर, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है दूर होता है, तो कार्बो कैटायन इधर बन गया और पाई बॉन्ड पे अटैक, मतलब H प्लस पे अटैक किया तो ये CH3 प्लस बन गया। किसी को दिक्कत है जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को डाउट है जल्दी बोलो। पहले प्रोटोनेशन हो गया, पाई बॉन्ड अटैक करेगा, पाई बॉन्ड पहले अटैक करता है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, यहाँ तक डाउट क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है? यस सर। प्रोटोनेशन पाई बॉन्ड, चलो ठीक है। अब क्या हुआ, पानी आके अटैक कर देगा, पानी आके अटैक करेगा तो पानी को अटैक करवा दो, पानी को अटैक करवा दो, तो पानी यहाँ अटैक कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अभी इथर है, फिर से प्रोटोनेशन करवा दो, प्रोटोनेशन करवा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, प्रोटोनेशन करवा दिए। अब क्या होगा तुम्हारा, अब आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड तो कभी टूटेगा नहीं, बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये अपने आप टूट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज क्या है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन काफी स्टेबल बन रहा है और ये क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। क्लियर है सबको, जल्दी बोलो क्लियर है सबको, अच्छे से देख लो, देख लो अच्छे से, क्लियर है कि नहीं, जल्दी करो, देख लो अच्छे से, खुद बना लो। अगर किसी को दिक्कत है मैं दोबारा बता देता हूँ इस स्टेप को, चलो किसी को दिक्कत है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले प्रोटोनेशन हो गया, प्रोटोनेशन होने के बाद तुम ऐसा भी सोच सकते हो चाहो तो कि ऑक्सीजन क्या है, यहाँ अटैक किया और ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया OH और ये बन गया तुम्हारा CH3CHO। आप चाहो तो ऐसा भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, जल्दी बोलो, कोई डाउट, जल्दी बताओ, कोई डाउट? चलो अब मेरे को बताओ, इसमें ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा, कौन सा, लेफ्ट या राइट, कौन सा अटैक करेगा? सर वो इथेन बनेगा, इथेन CH3CHO ना, इथेन कहाँ बात, कहाँ इथेन बना रहे, CH3CHO बना रहे ना, ऊपर वाले में टेन वाले बोल रहे हो? हाँ जी सर, वहां पर लिखा है ना आपने, अरे CH3O है भाई, क्या कर रहा है, CH3CHO है, ठीक है,
क्लियर है? अभी भाई सीएस3 सीएचओ ही बनेगा ना भाई। और एक बार बताइए, सीएचओ वाला समझ में नहीं आया। अबे क्या करता है यार, क्या करता है तुम? देखो इधर, पहले प्रोटोनेशन होने के बाद क्या पानी अटैक किया, तो ये क्या ओएच बन गया, फिनॉल बन गया, और ये कार्बन पे ओएच, और ये ओएच और सीएस3, तो एक कार्बन पे दो एच क्या करोगे, पानी निकाल दोगे, निकाल दो पानी, कोई दिक्कत नहीं है। ये पी ओएच बन गया और सीएस3 सीएचओ बन गया, क्या दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है भाई? इथर है ना, अटैक करवाओ ना, दोबारा प्रोटोनेशन करवाओ ना। क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी क्लियर हो गया सर। अरे क्लियर हुआ? हाँ जी सर क्लियर हो गया। चलो ठीक है, आगे बोलो, आगे बोलो। इधर किधर अटैक करवा, कौन सा लोन पेयर अटैक करेगा, प्रोटोनेशन कौन सा लोन पेयर करेगा, प्रोटोनेशन कौन करेगा, लोन पेयर कौन अटैक करेगा? दाईं तरफ का। चलो दाईं तरफ, क्यों रीजन, क्यों रीजन, क्यों? अरे क्या रीजन है, जल्दी बोलो क्या रीजन है, जल्दी बोलो क्या रीजन है। अरे लेफ्ट पार्शियल डबल बॉन्ड, बिल्कुल ना ये बॉन्ड टूटेगा ना ये बॉन्ड टूटेगा, कभी रिएक्शन नहीं करेगा, साथ में लोन पे दोनों रेजोनेंस कर रहा है दोनों साइड से, तो ये वाला प्रोटोनेट करेगा, ये वाला एच प्लस पे जाके क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा, ये वाला जाके एच प्लस पे क्या करेगा, जाके प्रोटोनेट करेगा। ओके रहने दो, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये पीएच बना देता हूँ, ओ बना देता हूँ, ये पीएच और ये बन गया ओ प्लस, और ये एच हो गया, ये सी एच थ्री हो गया, ठीक है क्लियर है। अब तुम्हारा क्या हुआ, अब सिंपल सा पानी आएगा बैक साइड से अटैक कर देगा, ठीक है क्लियर है, और ये खुल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा पीएच ओ पीएच ओ एच हो जाएगा, और ये बन जाएगा मिथानॉल सी एच थ्री ओ एच। कितने लोगों का सही था 11, कितने लोगों का 11 सही था, जल्दी करो 11 कितने लोगों का सही है, जल्दी कमेंट कर दो 11 कितने लोगों का सही, कमेंट टेस्ट कर दो सही, 11 कितने लोगों का सही है कमेंट टेस्ट कर दो। देख लो एक एक स्टेप अच्छे से देख लो, एक एक स्टेप अच्छे से देख लो, एक एक स्टेप प्रॉपर अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना आया हुआ एडवांस का क्वेश्चन है, बाकी जितना ही मैंने आपको बताया है सब एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, इसलिए आप स्टेप वाइज करोगे आपको खुद दिखने लगेगा। आप फिर से देख लो 1 से लेके, किसी को डाउट है, देखो ये सब क्वेश्चन मैं स्किप नहीं करता हूँ, आपके बैच में भी एडवांस का हो या मेंस का हो, मैं हमेशा उस लेवल तक करवाता ही हूँ बच्चे को, इसलिए देख लो, किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लो दोबारा, देख लो अच्छे से, इसको देखो इसको देखो इसको देख लो, किसी को डाउट है पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को दोबारा पूछना है किसी को तो पूछ लो, किसी को दोबारा पूछना है तो पूछ लो, किसी को दोबारा पूछना है तो पूछ लो फटाफट, किसी को दोबारा पूछना है पूछ लो, पूछो। हाँ बोलो सर, इसका विदाउट मैकेनिज्म इजी वे क्या है करने का, मतलब इजी तो बताया, यही सपोज करो कि मान लो ये है ये है ये है, तो यहाँ तो अगर ऑक्सीजन दोनों बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिधर लेस स्टेरिक हिंडेंस है वहां तुम्हारा क्या होगा, वहां तुम्हारा ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, सिंपल सा सपोज कर लो, ये होगा OH और ये हो गया दोनों अल्कोहल बनेगा, अगर सपोज करो एक कार्बोकेटायन, एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो वहां वाला पानी का लोन पे जाके अटैक करेगा, इंटरनल क्लीवेज होगा, SN1 जल्दी बनेगा CH3OH, ठीक है। अगर सपोज करो एक कार्बन पे दो OH है, OR पकड़ लो, OR- पकड़ लो, ऐसा कर लो, और ये CH3, तो मैंने आपको बताया ऐसे ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, और एक कार्बन पे OH लगा दो, ठीक है क्लियर, OH लगा दो, इधर क्या हुआ ROH और R- अगर दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, R-OH और एक कार्बन पे OH है, तो दो दो OH है तो पानी निकाल दो, बस कुछ नहीं, तुमको साफ दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है क्लियर है। अगर 3 ऑक्सीजन का होगा तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, तो वो टेंशन मत लो, तुम प्रैक्टिस करते करते तुम चुटकी में बनाने लगोगे, जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करते हैं तो टफ प्रॉब्लम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चीजें तो रहेंगी ना, क्लियर है, समझ आ रहा है? यस सर। सर हाँ बोलो सर, मेरे को एक ही सवाल पूछना है आपसे कि सर हमारे लेवल पे कितने तक आएगा, मतलब कितना, तुम्हारे लेवल में तुम जो स्टार्टिंग में पढ़ा बस उतना ही आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं, लेकिन मैं टेस्ट में तुमको इस लेवल में दूंगा, टेस्ट में हम तुमको यही लेवल में देंगे, नहीं सर उसमें कुछ नहीं, मतलब पूछना है कि नीट में कैसे आएगा, मतलब वो 1 डिग्री वाला दम स्टार्टिंग में दम, नहीं नहीं दम बेसिक, जितना मैंने स्टार्टिंग यहां तक जो नीट लेवल का है मैक्सिमम यहां तक आएगा,
यहाँ देखो मैक्सिमम यहाँ तक, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये सब आ सकता है, ये सब एकदम साफ कॉमन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे ये सब क्वेश्चन, ये सब थोड़ा सा थोड़ा कम है, और ये सब तो हाईली कम है। जैसे ये वाला जो है, अगर तुम ये क्वेश्चन नंबर बोल दूं, 9 बोल दूं, तो एकदम इम्पॉसिबल है, 9 नहीं आएगा कभी, 8 नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन है, बट तुमको आना चाहिए। एग्जाम को हमको मतलब नहीं आ रहा, नहीं मेरे बच्चे को आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्लियर है, कोई दिक्कत? सर वो 9 वाला जो है ना, हाँ सर, वो मुझको लगता है कहीं पर मैंने देखा है, मतलब 12 के हमारे जो बुक है वहां पर मैंने देखा है सर वो। हाँ तो होगा, क्यों नहीं होगा, 3 HCHO बोला, नहीं आपने बोला ना नहीं कि नहीं आएगा, तो इसलिए पूछा। नीट की मैं बात कर रहा बाबू, नीट की बुक में तो है ही, बुक में क्यों नहीं रहेगा। ठीक है, समझ रहा है, सब पढ़ लो। तुम्हारे पास कोई काम है, घूमने जाना है? हाँ बोलो सर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा कहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बैठेगा, कहाँ पे CHO? फिर से फिर से, डबल बॉन्ड ओ कहाँ पे रहेगा और कहाँ पे CHO? अरे भाई H तो रहेगा ना, H तो पहले से अंडरस्टूड है ना, यहाँ तो H है ना भाई, क्या दिक्कत है, H तो पहले से है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, अंडरस्टूड है ना वो, और एक तो एक्स्ट्रा H है। हाँ एक तो है ही ना भाई, वो तो है ही, क्या टेंशन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? अगर एक कार्बन पे दो OH है तो पानी निकल जाएगा, बगल में अगर एक मिथाइल रहेगा और एक H रहेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर दोनों मिथाइल रहेगा तो कीटोन बनेगा, क्यों इतना परेशान हो रहा है, करके देखो ना, करके देखो, करके देखो। क्लियर है? हो गया सर, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, जल्दी, क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। चलो तो नया हेडिंग लिख लो, रिएक्शन विद HI। पहले ये पूरा करके आना, जो DPP में आज आपको दूंगा इससे रिलेटेड ऑफिस में जाके वो करके आना, ठीक है, टफ लेवल का रहेगा, प्रैक्टिस दम रहना चाहिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल हर केमिस्ट्री में मुझे आपसे 160 से ऊपर चाहिए, ठीक है, जो भी 160 से ऊपर लेके आएगा मैं उसको अलग से भी प्राइस दूंगा, ठीक, क्लियर है, प्राइस ही प्राइस है आपके पास, तो देख लो क्या करना है तुमको। चलो तो मेरे साइड से इतना ही है, रिविजन करते रहो, रिविजन बनाते रहो, कोई डाउट है तो पूछते रहो। सर पिछले दिन का जो होमवर्क हमने दिया था ना, SN1 SN2 वाले का सर, वो कब चेक करेंगे वो वाला? ग्रुप में सबको भेजो, ग्रुप में भेज दो, मैं सबका अभी सबको मेल आईडी दूंगा, सबका होमवर्क करने वाला, मैं चेक करने वाला होमवर्क। चलो डिस्कशन कर देंगे, पहले ये कर लो, आज का होमवर्क के लिए मॉड्यूल मेरे पास नहीं है, मैं ऑफिस जाके आपको होमवर्क दे दूंगा, मैं DPP याद दूंगा, आज का होमवर्क आपका DPP रहेगा, क्लियर है, समझ गए सब लोग, क्लियर है? चलो यस सर, चलो तो टेक केयर, बाय बाय, रिवीजन सर। हां बोलो सर, आपको सर एक क्वेश्चन भेजा है मैंने, एक क्वेश्चन।